नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में नवंबर मंथ 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट्स इवेंट्स को कवर कर लेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। जिन कैंडिडेट्स का आरओ का एग्जाम है आपका 5 दिसंबर को, उनके लिए वीडियो पहले ही बन गया था नवंबर मंथ का, जिसमें हमने 1 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक की न्यूज़ को कवर कर लिया था। उसमें एक अपडेट करेंगे आप COP26 में 2030 तक भारत जो है 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने वाला है, उसमें शायद 1 करोड़ बता दिया गया था, तो ये करेक्शन आप करेंगे यहाँ पर। तो जो पंचामृत जो इनिशिएटिव भारत लेगा, जिसमें भारत ने कुछ प्रॉमिसेस किए हैं, उनमें से ये है कि 2030 तक अगले 9 सालों में हम 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे, उसमें 1 करोड़ टन शायद बता दिया था, तो उसको आप सही करेंगे। दूसरा ये है कि रशिया, चीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के जो टारगेट्स हैं नेट जीरो एमिशन अचीव करने के, वो 2070 तक नहीं है, वो कब तक हैं आपके, वो हैं 2060 तक। तो ये एक आप करेक्शन करेंगे उस पर्टिकुलर पिछले वीडियो से। बाकी आरओ का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, पुराना वीडियो देख लीजिए आप, जिसमें 1 नवंबर से 19 नवंबर तक की न्यूज़ कवर्ड है। बाकी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। एग्रीमेंट्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर एग्रीमेंट में सबसे पहले जम्मू कश्मीर और दुबई सरकार के बीच समझौता, हमने पहले ही बताया था आपको। जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्कों, IT टावरों, बहुउद्देशीय टावरों, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, इन क्षेत्रों में दुबई सरकार के साथ समझौता किया है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है कि सिडबी और गूगल के मध्य यहाँ पर समझौता हुआ है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो इसमें सब्सिडी, ब्याज दरों पर 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता के साथ एक सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम शुरू करने के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है, ठीक, इतना आपको याद रखना है। सिडबी ऋण देगा, इसके लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। फिर उसके बाद भारतीय सेना और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के मध्य समझौता हुआ है। यहाँ पर तो भारतीय सेना ने समझौता किया है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ, जो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इसमें समझौता हुआ है इनोवेशन के लिए, अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए, प्रौद्योगिकी, ऊष्माइन यानी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन के लिए, और संयुक्त परियोजनाओं में प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, प्रकाशन और पेटेंट में आपस में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। बस इतने ही एग्रीमेंट यूजफुल है हमारे नवंबर मंथ से। आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट्स काफी सारे हैं। ये VVS लक्ष्मण जो हैं बन गए हैं राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के नए हेड, क्योंकि पहले जो हेड थे राहुल द्रविड़, वो भारतीय पुरुष टीम के हेड कोच बन गए हैं, ठीक है। जैसे आप देख भी सकते हैं, जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं उनको ये बात पता चल गई होगी काफी पहले कि राहुल द्रविड़ अब हेड कोच है, रवि शास्त्री अब हेड कोच नहीं है भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के, ठीक है। महिला टीम के कोच कौन है, रमेश पवार हैं, वो भी बने हुए हैं। अतुल करवाल ये चीफ ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बन गए हैं, ठीक है। ये आप लोग कुछ पूछते हैं कि जो साइड में लिखा रहता है क्या ये भी हमको याद करना है, ये याद नहीं करना होता, ये आपके रेफरेंस के लिए लिखा होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट में जनरली एग्जाम में हमको इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाता है। जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट होता है उसके पहले जो उस विभाग में उस संस्थान में कोई व्यक्ति हेड या चीफ रहा होता है उसका भी नाम दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो यदि आपको पता होगा कि पुराना जो है वो जा चुके हैं तो इसमें क्लैरिटी रहती है, बस इसलिए दिया जाता है, ठीक है, इसका ये यूज है। जैसे सत्यनारायण प्रधान ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने, NCB अभी न्यूज में था, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए DG बने हैं सत्यनारायण प्रधान। तो अगर ऑप्शन में राकेश अस्थाना भी दिया होगा तो आप आसानी से उसको एलिमिनेट कर लेंगे कि राकेश अस्थाना तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये पहले थे। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार ये नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख होंगे, यानी कि नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और ये करमबीर सिंह का स्थान लेंगे, ठीक है। करमबीर सिंह अब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नहीं रहेंगे। उसके बाद जुबीन गर्ग जो गायक हैं, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अरुण चावला ये फिक्की के डायरेक्टर जनरल बने हैं, अरुण चावला। फिर उसके बाद बिमल पटेल ये अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किए गए हैं। तो किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोग में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में अगर कोई भारतीय नियुक्त किया जाता है किसी पद पर तो काफ़ी जरूरी हो जाता है, ये एक पॉइंट होता है। तो ये बिमल पटेल हैं, ये इलेक्ट किए गए इंटरनेशनल लॉ कमीशन में भारत की तरफ से, ठीक है, 5 साल के लिए उनका कार्यकाल होगा। फिर उसके बाद पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण, अशोक भूषण जो है NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल के नए चेयरपर्सन बन गए। सौरव गांगुली ये ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ICC के अध्यक्ष की नहीं बात हो रही है, ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है। पहले अनिल कुंबले थे इनकी जगह पर, अब सौरव गांगुली आ चुके हैं। जोएफ अलार्डिस ये स्थायी CEO बने हैं आपके ICC के, मनु साहनी पहले थे अब ये इनकी जगह पर आ गए, जोएफ अलार्डिस। तो अगर आपके मिसलेनियस PDF में जो लोग पेड ग्रुप मेंबर्स हैं अगर उसमें मनु साहनी लिखा है तो उसको कट करके जोएफ अलार्डिस का नाम ऐड कर लीजिए अलग से। फिर उसके बाद PC मोदी ये नए सेक्रेटरी जनरल बन गए राज्यसभा के। उसके बाद MC मैरीकॉम ये ट्राइफेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। शॉम्बी शॉर्पी ये भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में एक सतत विकास विशेषज्ञ बने, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट इन इंडिया एज द रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद स्पेनिश अभिनेता डैनियल ब्रुहल ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के वैश्विक सद्भावना राजदूत बने। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं राकेश कुमार जैन, इनको अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है, क्या हमारी प्रदेश सरकार ने कोई जांच समिति बनाई है, आप कमेंट करके बताइए क्या ये समिति बनाई गई है।
यूपी करंट अफेयर में बताया हुआ है पहले भी। उसके बाद सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा, ये इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शामिल हुए हैं। इतने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इस मंथ में। आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के सेक्शन पर। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सबसे पहला इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 टीवीएस मोटर कंपनी ने जीता है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा यह अवार्ड दिया गया है इनको रिन्यूएबल एनर्जी यूजर कैटेगरी में, ठीक है। उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता की श्रेणी में टीवीएस मोटर कंपनी को ये अवार्ड मिला है। 17वां वार्षिक किड्स राइट अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है दिल्ली के किशोरों को। एक है अभिहान और दूसरा है नव अग्रवाल, दोनों भाई हैं। दोनों ने एक इनिशिएटिव चलाया वहां पर, वन स्टेप ग्रीनर इनिशिएटिव, तो उसके लिए ये पुरस्कार उन्हें मिला है किड्स राइट फाउंडेशन की तरफ से, जिनका हेडक्वार्टर कहां पर एम्स्टरडेम नीदरलैंड में, और कैलाश सत्यार्थी के हाथों ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। उसके बाद बुकर पुरस्कार की अगर बात कर लें तो ये मिला है 2021 का दक्षिण अफ्रीका के डेमन गालगुट को, ठीक है। और बाकी ये पुराने हमने जो उससे मिलते जुलते अवार्ड वो भी लिख दिए हैं, जैसे बुकर प्राइज 2020 अगर ये पूछ ले तो ये शगीबेन नॉवेल के लिए डगलस स्टुअर्ट नाम के ऑथर को मिला था, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो 2021 से पहले मैन बुकर के नाम से जाना जाता था, तो ये बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2021 इसको यूपीएससी सीएपीएफ के पेपर में पूछा गया था कि ऑल नाइट ब्लड इज ब्लैक के लेखक कौन है, तो ये है डेविड डायोप, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं बासव श्री पुरस्कार कन्नड़ अभिनेता जिनका भी निधन हुआ है इसी मंथ, ठीक है, पुनीत राजकुमार को मिला है। 94वें ऑस्कर में जो भारत की तरफ से एंट्री भेजी गई है फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में, हर साल भारत भेजता है, जैसे न्यूटन को भेजा गया था तो कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया उस फिल्म का नाम, तो ड्रामा फिल्म कूझंगल को, जो कि किस भाषा की फिल्म है, तमिल भाषा की फिल्म, इसको भारत ने विदेशी फीचर फिल्म की श्रेणी में अपनी ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऑस्कर में भेजा है, ठीक है। उसके बाद साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार मिला है ऑथर एम मुकुंदन को, ठीक है, डेली असोल्लौकी उनकी नॉवल है उसके लिए मिला है। उसके बाद तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार इन्हें एडवेंचर अवार्ड 2020 है। इसमें अवार्डीज है कई सारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। 7 लोग हैं इनमें से जो है एक वीमेन को मिला है, दो वीमेन को मिला एक्चुअली, तो उनका नाम है प्रियंका मंगेश मोहिते और शीतल, ये दो वीमेन हैं, बाकी जयप्रकाश कुमार हैं, कर्नल अमित बिष्ट हैं, श्रीकांत विश्वनाथन हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल हैं और जय किशन हैं, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी प्रियंका मंगेश मोहिते, ये महाराष्ट्र से हैं, तो ये चर्चा में आई थी। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में हम देखेंगे, इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसमें एक्चुअली कुल मिलाकर सिर्फ 3 महिला खिलाड़ियों को इस साल ये अवार्ड दिया गया, हमने शायद 4 बता दिया था, टिक लगाने में गलती हो गई थी। 3 कौन है, लवलीना बोरगोहेन, उसके बाद अवनी लेखरा हैं, और फिर मिताली राज हैं। मिताली राज क्रिकेट से हैं, बाकी कौन कौन से स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से ये लोग हैं इनके नाम लिखे हुए हैं, एक बार लिस्ट जरूर देखिएगा, इस साल इससे आने की काफ़ी संभावना है, बीपीएससी वाले लोग इसको जरूर देखिएगा। काफ़ी सारे नाम आप सुनते हुए हैं, नीरज चोपड़ा आपने सुना है, रवि कुमार रेसलिंग में, लवलीना बोरगोहेन, श्रीजेश पीआर जब हॉकी पुरुष हॉकी टीम जीती थी ब्रॉन्ज तब इनका काफ़ी नाम आया था, काफ़ी अहम भूमिका उस मैच में उन्होंने निभाई थी। अवनी लेखरा, उसके बाद अवनी लेखरा के बारे में पूछा गया था अभी, दो इन्होंने पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं, गोल्ड एक ब्रॉन्ज अलग अलग इवेंट में। सुमित अंटिल ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णानगर पैरा बैडमिंटन, फिर उसके बाद मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, और मनप्रीत सिंह हॉकी, ये तो कप्तान है हॉकी टीम के मनप्रीत सिंह। उसके बाद एक बार ही ध्यानचंद पुरस्कार देख सकते हैं, कहीं पर अगर कोर में स्पोर्ट्स पूछा जाता है कोर सिलेबस में तो ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद पद्म पुरस्कार, यहाँ पर फिर से आपको रिमाइंड कर दे रहे हैं, हालांकि पद्म पुरस्कार जनवरी में हम बता चुके हैं आपको, इसमें पद्म भूषण और पद्म विभूषण एक बार जरूर देख लीजिएगा, और उत्तर प्रदेश का अगर आप पेपर दे रहे हैं जैसे आरओ वाले तो पद्मश्री भी इनमें देख लीजिएगा आप। कुछ लोग बड़े कन्फ्यूज थे कि कंगना रनौत को पिछले साल मिला था जब पद्मश्री, तो इस साल जो है हमारे राष्ट्रपति जी उनको अवार्ड देते हुए क्यों दिख रहे हैं, तो बात यह है कि पिछले साल अवार्ड सेरेमनी नहीं हो पाई थी, अगर आपको याद हो कोविड-19 की वजह से कोई अवार्ड सेरेमनी नहीं हुई थी, तो पिछली बार जिनको मिले थे पद्म पुरस्कार पद्म अलंकरण उनको पहले दिए जा रहे हैं, और इस साल जिनको मिले हैं उनकी सेरेमनी अभी बाद में होगी एक एक करके। तो पद्म भूषण में शिंजो आबे अभी प्रधानमंत्री नहीं है जापान के, इस समय जापान के प्रधानमंत्री कौन है आप कमेंट करके बता सकते हैं। एसपी बालसुब्रमण्यम मरणोपरांत इनको मिल रहा है, बेले मुनप्पा हेगड़े चिकित्सा से, नरेंद्र कप्पानी मरणोपरांत इनको तो आपने जो है पढ़ाई होगा ऑब्वियसली, साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं आरओ के लिए बताइए नरेंद्र कप्पानी का क्या रोल है साइंस में, तो जीएस का क्वेश्चन आपका नरेंद्र कप्पानी का क्या रोल है साइंस में। उसके बाद मौलाना वहीदुद्दीन बीबी लाल इनको भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आर्कियोलॉजी संबंधित, कौन सी साइट बीबी लाल ने खोजी है कमेंट करके बताइए। श्री सुदर्शन साहू कला से, कला मतलब सैंड आर्ट से, ठीक, ओडिशा से, कई पुरस्कार वैसे भी इनको मिल चुके हैं सैंड आर्ट में। पद्म विभूषण ये वाले हैं, आप इनको एक बार देखिएगा, जरूर रिमाइंड कराना जरूरी होता है, क्योंकि एक बार जब अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं जैन मंथ में तब पूछे जाने की संभावना होती है, और एक बार जब अवार्ड सेरेमनी होती है तो एक बार फिर से पूछे जाने की संभावना होती है। फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ समुद्री स्टेट का पुरस्कार और अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार, ये नए आ गए हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो कि जब हमने आपको यूपी करंट पढ़ाया था कि जो लास्ट अवार्ड थे जो 2019 वाले अवार्ड थे मरीन अवार्ड जो दिए गए थे आपके मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के द्वारा, तो उसमें बेस्ट इनलैंड स्टेट था वो उत्तर प्रदेश था, लेकिन बेस्ट इनलैंड स्टेट अब तेलंगाना है, ठीक है, बेस्ट मरीन स्टेट आंध्र प्रदेश है, और सर्वश्रेष्ठ आपका समुद्री जिला पुरस्कार ही मिला है बालासोर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा को, इतना याद रखना काफ़ी है।
देन उसके बाद अर्थ डे नेटवर्क राइजिंग स्टार 2021 यूएसए, ये मिला है कुमारी विनीशा उमाशंकर को, ठीक है, तमिलनाडु से है। ये 15 वर्षीय बालिका है, सोलर आयरनिंग कार्ट है बेसिकली इनका इनिशिएटिव, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है अर्थ डे नेटवर्क राइजिंग स्टार 2021 यूएसए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ डिजिटल फाइनेंशियल सेवाओं का पुरस्कार ये मिला है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को, ये मिलता है आपका एसोचएम के द्वारा। उसके बाद इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये मिला है एक एनजीओ है प्रथम उसके द्वारा, उसको मिला है कुल मिला करके इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा एनजीओ जिसका नाम है प्रथम उन्हें मिला है। उसके बाद मणिपुर स्टेट अवार्ड ये मिला है नॉवलिस्ट बेरिल थंगा को, बेरिल थंगा की दो पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं ए आमादी अदुंजेई इथात और आई एंड देन आईलैंड, ठीक है, तो ये मिला है मणिपुर सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बोर्ड द्वारा यानी कि बोर्ड ऑफ एमिनेंट पर्सन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। उसके बाद यूएन वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया जाता है और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस इनको ये अवार्ड देंगे, ठीक है। तो किसे मिला है, ये मिला है नेपाल के पुलिस ऑफिसर को सांग्या मल्ला को जो कि नेपाल से है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार ये तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को मिला है, ठीक है, यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा पिछले साल 3 एंट्रीज भेजी गई थी भारत की तरफ से, उसमें कौन कौन शामिल थे वो अभी हम आगे बताएंगे। लेटेस्ट में अभी जो कह सकते हैं हम लोग यूएनडब्ल्यूटीओ की जो जनरल असेंबली हुई थी 2 दिसंबर 2021 को मतलब होगी स्पेन में, उसमें ये अवार्ड अनाउंस करा जाएगा पोचमपल्ली के लिए, ठीक है। पोचमपल्ली अब क्या बन गया है, बेस्ट टूरिज्म विलेज। इसमें हमने नाम लिख भी दिया है कि कौन कौन से 3 एंट्री भेजी गई थी, मेघालय में कोंगथोंग गांव को, मधेपुरा में मध्य प्रदेश में लड़पुरा खास को और तेलंगाना के पोचमपल्ली, इनके नाम भेजे गए थे जिसमें पोचमपल्ली को चुना गया है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 अनीता देसाई लेखिका को मिला है। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के द्वारा किसे मिला है, प्रकाश पादुकोण को, ये दीपिका पादुकोण के पिता है। उसके बाद इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये मिला मतलब मिलेगा आपका जब हम नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा का समापन समारोह देखेंगे तो पूरा अवार्ड लिस्ट आपको दी जाएगी, लेकिन अभी तक के लिए आप याद रखिए हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड इस अवार्ड फंक्शन में अनाउंस करा जाएगा, ठीक। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 आ चुके हैं, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे लगातार 5वीं बार अब इंदौर टॉप पर आ गया है, जब से शुरू हुआ है लगभग इंदौर ही टॉप पर है, तो इंदौर है लगातार 5वें वर्ष से सबसे स्वच्छ शहर भारत का, सबसे स्वच्छ गंगा शहर गंगा के किनारे बसा शहर वाराणसी है, सबसे स्वच्छ राज्य 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों के साथ यानी कि सबसे स्वच्छ राज्य जिसमें 100 से ज़्यादा ULBs हैं तो वो है छत्तीसगढ़, सबसे स्वच्छ राज्य जिसमें 100 से कम ULBs हैं वो है झारखंड, और सबसे स्वच्छ मध्यम शहर यानी 3 से 10 लाख जनसंख्या वाला वो है नोएडा, ये यूपी करंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और सबसे स्वच्छ जिला है सूरत, ठीक। तो सिटी में अगर कहेंगे तो इंदौर है और डिस्ट्रिक्ट में कहेंगे तो सूरत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, वैसे तो पूरी बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन ये हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जो हमने आपको बताई हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे, फिर उसके बाद वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार में वीर चक्र ये मिला है फाइटर पायलट विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन जो है अभिनंदन वर्धमान को, ठीक है, वीर चक्र ने मिला है इस साल। और कीर्ति चक्र किसे मिला है, कीर्ति चक्र साइपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत, ठीक है, ये दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार होता है कीर्ति चक्र, ठीक है। उसके बाद होता है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र उत्तराखंड के शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को मिला है शौर्य चक्र, उनकी पत्नी और उनकी माँ ने उनके बदले प्राप्त किया है। नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिला है और मेजर महेश कुमार भूरे को शौर्य चक्र मिला है, ठीक है। ये आप ये ब्रेवरी अवार्ड ध्यान रखिएगा, ये आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। बढ़ते हैं हम लोग आगे, उसके बाद यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड, इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा जो उनके शोज है टीवी और रेडियो शोज की कैटेगरी में मलेशिया के कुआलालंपुर में जो ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में कई पुरस्कार इन्हें मिले हैं, जैसे दूरदर्शन का एक कार्यक्रम है डेफिनेटली लीडिंग द वे लिविंग वेल विद सुपर डायवर्सिटी श्रेणी में इसको अवार्ड मिला है। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम है लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध की श्रेणी में इन्हें पुरस्कार मिला है। इतना डीप डिटेल नहीं याद रखना जरूरी है, बस याद रखिएगा दूरदर्शन और आकाशवाणी को यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड में सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021, इसमें कुछ नाम है जैसे कि उपन्यास की श्रेणी में हेल ऑफ अ बुक जैसन मोट की किताब इन्हें मिला है। उसके बाद नॉन फिक्शन कैटेगरी में यानी कि गैर उपन्यास की कैटेगरी में मिला है और ऑल दैट शी कैरीड टिया मिल्स की किताब है, युवा जन साहित्य यंग पीपल्स लिटरेचर इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, लास्ट नाइट एट द टेलीग्राफ क्लब मेलिंडा लो की किताब है, पोएट्री में फ्लोटर्स नाम की किताब है मार्टिन एस्पाडा की ने मिला है, सर्वश्रेष्ठ अनुदित यानी बेस्ट ट्रांसलेटर लिटरेचर कैटेगरी में विंटर इन शॉक्शो को मिला है, ठीक है, और फ्रेंच भाषा से अनुवाद किया गया था, अनीसा अब्बास हिगिन्स ने इसका जो है अनुवाद किया था, ओरिजिनल लेखक हैं जिन्होंने फ्रेंच में इस नॉवल को लिखा था, ये है एलिसा शुआ डुसापिन। एटलीस्ट आप ये फिक्शन और नॉन फिक्शन वाला जरूर इसमें याद रख सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर में देखेंगे मॉडर्न इंडिया किताब आई है पूनम दलाल दहिया IAS की, इनकी एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया भी आती है किताब और मॉडर्न इंडिया भी काफ़ी सेल पे रहेगी, ये पता है सभी को। उसके बाद सनराइज ओवर अयोध्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, काफ़ी पूछे जाने लायक किताब लग रही है, सनराइज ओवर अयोध्या लिखी है सलमान खुर्शीद ने, ये कांग्रेस के नेता आपको पता होगा। अनशैकलिंग इंडिया हार्ड ट्रूथ एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिकल रिवाइवल, ये लिखी अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज ने, द सेज विद टू हॉर्न्स लिखी है सुधा मूर्ति ने।
उसके बाद नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, त्रिरुपर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने मिलकर के इसको लिखा है। एम्स में जंग लड़ते हुए लिखा है पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स लिखी है असीम चावला ने। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट ये लिखी है दीपेंदु चौधरी और अर्जुन सुब्रमण्यम ने। श्रीमद रामायण लिखी है शशि किरणाचार्य, ठीक है। उसके बाद रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ये बान की मून ने लिखी है और बहुत बहुत संभावना है कि किताब आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है। मतलब इस पूरी ये बुक सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट किताब ये नवंबर मंथ की यही है, रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून। ये पूर्व क्या रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल यूएन के, ठीक। उसके बाद द डिस्ट्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया, ये वीपी सिंह के ऊपर किताब लिखी है देवाशीष मुखर्जी ने। कुकिंग टू सेव योर लाइफ ये अभिजीत बनर्जी ने लिखी किताब। कन्वर्सेशंस इंडिया लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन इंगेजेस विथ 100 थीम्स ये लिखी है ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी ने। लाल सलाम नॉवल लिखी है स्मृति जुबिन ईरानी ने, उनकी पहली नॉवल है लाल सलाम। लाल सलाम किस पर आधारित है, 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक जो माओवादी हमला हुआ था उसमें 76 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की हत्या की गई थी, तो उस किलिंग पर आधारित, उस घटना पर आधारित ये है लाल सलाम। उसके बाद इंडिया वर्सेस यूके ये सैयद अकबरुद्दीन की किताब है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी नेता के द्वारा लिखी गई किताब काफ़ी जरूरी होती है ये एक की टर्म है। जैसे कौन कौन से नेताओं ने इस महीने किताब लिखी, स्मृति जुबिन ईरानी, सलमान खुर्शीद पूर्व और सैयद अकबरुद्दीन, ये नेता नहीं है लेकिन ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पद पर रह चुके हैं, ठीक है। इस वजह से इनकी भी किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। डे डेट्स थीम देखेंगे, क्लीन ग्रीन विलेज वीक यानी कि स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह ये मनाया गया था 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक और मनरेगा स्कीम के तहत इसको सेलिब्रेट किया गया था, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस होता है 29 अक्टूबर को। नेशनल यूनिटी डे होता है आपका 31 अक्टूबर को। वर्ल्ड सिटीज डे होता है 31 अक्टूबर को। वीगन डे होता है 1 नवंबर को। आयुर्वेद दिवस होता है 2 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस होता है 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस होता है 7 नवंबर को। और अर्बनाइजेशन डे होता है आपका, इसको टाउन प्लानिंग डे भी बोलते हैं, ये 8 नवंबर को होता है। उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को। नेशनल लीगल सर्विसेज डे होता है 9 नवंबर को। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये होता है 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है 11 नवंबर को। ओना के अब्बवा जयंती है 11 नवंबर को। किस डेट ने मनाई है अभी आगे हम बताएंगे एमसीक्यू सेक्शन में। निमोनिया डे होता है आपका 12 नवंबर को, ठीक है। स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रेथ काउंट इसकी थीम है। लोक प्रसारण दिवस होता है यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को और डायबिटीज डे भी 14 नवंबर को, ठीक। उसके बाद जनजातीय गौरव दिवस होता है 15 नवंबर को। लोकल मिलाकर ये अनाउंस किया गया था 10 नवंबर 2021 को कि अब से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। भोपाल से पीएमजी ने अनाउंस किया था, ठीक है। और ये किस लिए मनाया जाएगा ये बहुत जरूरी है, ये एग्जाम पूछा जा सकता है कि ट्राइबल प्राइड डे हम क्यों मनाएंगे। तो ये बर्थ एनिवर्सरी है भगवान बिरसा मुंडा की, ठीक है। बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये 16 नवंबर को होता है। सहिष्णुता दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर टॉलरेंस आपका 16 नवंबर को। उसके बाद वर्ल्ड सीओपीडी डे ये होता है हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को। उसके बाद मिर्गी दिवस यानी एपिलेप्सी डे होता है 17 नवंबर को। वर्ल्ड फिलॉसफी डे होता है 18 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड टॉयलेट डे होता है 19 नवंबर को। और गुरु नानक जयंती होता है 19 नवंबर को ही। और वैश्विक बाल दिवस जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय बाल दिवस तो 14 नवंबर को होता है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है 20 नवंबर को। उसके बाद टेलीविजन डे होता है 21 नवंबर को। सड़क यातायात पीड़ितों की याद में जो दिवस मनाया जाता है वो 21 नवंबर को होता है। मतलब कुल मिलाकर नवंबर महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है और इस बार तीसरा रविवार पड़ा था आपका 21 नवंबर को। फिशरीज डे होता है 21 नवंबर को। उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक होता है 2021 आपका, मतलब ये हुआ था 21 से 28 नवंबर को। और नेशनल न्यू बॉर्न वीक होता है 15 से 21 नवंबर को। और गुरु तेग बहादुर जी का मार्टिरडम डे होता है आपका, शहीदी दिवस जिसको बोलते हैं 24 नवंबर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 25 नवंबर को। उसके बाद नवंबर मंथ में आ जाते हैं डिफेंस सेक्शन पर। नवंबर मंथ में सबसे पहले स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन सिस्टम का सक्सेसफुली टेस्ट कहाँ पे किया गया, जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी इसमें तीन कंट्री शामिल होंगी, कौन कौन सी, इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। ये अभ्यास कहाँ पे, अंडमान सी में हुआ था, इसका नाम है सिटमैक्स 2021। और इसमें इंडिया की तरफ से कौन सा जहाज शामिल हुआ था, INS करमुक। प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी यहाँ पे आपकी जो तैनात की जाएगी, कमीशन की जाएगी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है INS वेला, ये आपको याद रखना है। इसको बनाया किसने, माजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने। माजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने जो है फ्रांस के नेवल ग्रुप कोलेब्रेशन के साथ INS वेला को तैनात करने की घोषणा की है प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 है एक और एक प्रोजेक्ट 71 है, ये दोनों काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। प्रोजेक्ट 71 याद रखिएगा, ये एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित है, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम से, यानी कि जहाज वगैरह बनाएंगे उड़ने वाले या हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। और 75 प्रोजेक्ट है ये सबमरीन्स का, यानी कि पानी में डूबने वाली सबमरीन्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आप याद रखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। प्रोजेक्ट 75 सबमरीन से रिलेटेड है और प्रोजेक्ट 71 एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। हमारी चौथी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी का नाम क्या है, INS वेला।
इंडियन आर्मी ने एक हैकाथॉन अभी ऑर्गेनाइज किया था, साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 11 साल होता है। इस बार इसका नाम क्या था, सैन्य रणक्षेत्रम। उसके बाद द्विपक्षीय एक्सरसाइज शक्ति, शक्ति हम किसके साथ करते हैं, फ्रांस के साथ, ठीक है। इसराइल के ओविडा एयरबेस में भारतीय सेना गई थी यहाँ पर अपने 24 वायुसेना के कर्मियों के साथ भाग लेने अभ्यास ब्लू फ्लैग में, ठीक है। ब्लू फ्लैग 2021 कहाँ पे वो था, इसराइल में। देन इसके बाद इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट T-80, तो इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट T-80 को नेवल डॉकयार्ड मुंबई में डी कमीशन किया गया, यानी कि इसको रिटायर कर दिया गया है। उसके बाद 7 नई रक्षा कंपनियां जो अनाउंस की गई थी, मुनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस वीपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। तो एक बार इनके नाम सरसरी तौर पर जरूर देखिएगा, ठीक है, कि कौन कौन सी कंपनी अनाउंस की गई हैं। हो सकता है इसमें ये आपसे पूछ लें कि कितनी अनाउंस की गई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। सेना प्रमुख जो नेपाल से आए थे, जिनका नाम है प्रभुराम शर्मा, इनको जो है हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक दी गई है, यानी कि जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी की ऑनररी रैंक इनको दी गई है। ये एक शिष्टाचार है, जैसे हमारे जनरल गए थे चीफ जनरल M.M. नरावड़े पिछले साल काठमांडू में, तो उनको वहाँ पर ये पोस्ट दी गई थी या फिर ऑनररी रैंक दी गई थी जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की, तो उसी के बदले जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी की मानद रैंक प्रभुराम शर्मा को इनकी विजिट पर दी गई है। तो एक शिष्टाचार भेंट थी, इसके बारे में याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, भारतीय नौसेना के फ्रिगेट जिसको रशिया के कैलिनग्राड में अभी लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका तुशील, ठीक है, इसका नाम है तुशील। तो भारतीय फ्रिगेट जिसको अभी रशिया में कैलिनग्राड में लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है तुशील। एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस एक्सरसाइज बेसिकली पहले वेलियात, ये कहाँ पे हुई थी, सेंट्रल डेजर्ट ईरान में, तो ईरान में। और भारत के अर्ध सैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड के लोगों के बीच एक्सरसाइज हुई थी वेलियात, वेलायत नहीं है ये, वेलियात है, याद रखिएगा, ये सेंट्रल डेजर्ट ईरान में हुई थी। S-400 सिस्टम्स जो है, इस पर समझौता काफ़ी पहले हो चुका है 2019 में, और ये अभी भारत को डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। तो S-400 भारत किसके साथ बाय कर रहा है, रशिया के साथ, याद रखिएगा। एंटी सेटेलाइट मिसाइल का परीक्षण ही कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था रशिया के द्वारा, डायरेक्ट एसेंट एंटी सेटेलाइट मिसाइल, ये टेस्ट फायर किया था रशिया ने। द्विपक्षीय द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास है बेसिकली, यानी कि हर 2 साल में होने वाला त्रिपक्षीय एक्सरसाइज, इसका नाम है दोस्ती। तो दोस्ती एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं, मालदीव और श्रीलंका के साथ मिलकर के। तो त्रिपक्षीय अभ्यास हो गया, यानी कि इसमें 3 कंट्री शामिल है, श्रीलंका, इंडिया और मालदीव, यह हर 2 साल में होता है, ठीक है, ये मालदीव में हुआ था दोस्ती। सागर शक्ति, ये हुआ था आपका कक्ष प्रायद्वीप में, ठीक है। उसके बाद प्रस्थान, प्रस्थान नाम से एक्सरसाइज, ये पश्चिमी नौसेना कमान ने किया था प्रस्थान, ठीक है, ये किसी कंट्री के साथ नहीं थी, लेकिन ये अपने आप में एक्सरसाइज थी, ये वेस्टर्न नेवल कमांड ने कंडक्ट की थी मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल भारत इंडोनेशिया के साथ भी करता है, थाईलैंड के साथ भी करता है। तो भारत थाईलैंड का जो कॉर्पोरेट एडिशन हुआ था, इसमें अभी भारत ने इस पे पार्टिसिपेट किया था, भारत का जो जहाज इसमें पार्टिसिपेट करने गया था वो था INS करमुक, ठीक, याद रखिएगा, नवंबर 2021 में हुआ है लेटेस्ट ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल थाईलैंड के साथ। मालाबार एक्सरसाइज अभी कंडक्ट हुई है बे ऑफ बंगाल में, इसमें कौन कौन से देश की नेवल फोर्सेस ज्वाइन करती हैं, भारतीय नौसेना करती है, जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंसेस फोर्स यानी कि वहाँ की नौसेना, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना और यूनाइटेड स्टेट्स की नौसेना, ठीक। तो ये कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं क्वाड कंट्रीज के बीच होता है। INS विशाखापट्टनम अभी नौसेना में शामिल कर दिया गया है, ये बेसिकली क्या है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है, ठीक है, INS विशाखापट्टनम। इसको बनाया किसने है, माजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने, ठीक है, INS विशाखापट्टनम। प्रधानमंत्री जी ने झांसी में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शक्ति को जो है सौंप दिया है भारतीय नौसेना को, और इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है DRDO की लेबोरेटरी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद ने, और झांसी में इवेंट हुआ था, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा भारत जापान अंतरिक्ष संवाद हुआ था ये 2 नवंबर 2021 को, बस इतना आप याद रखिए इसमें, बाकी किस मुद्दे पर बात हुई थी, किसने पार्टिसिपेट किया था, ये इतना जरूरी नहीं है। ऑबिचुरीज में हम देख लेते हैं, मन्नू भंडारी हिंदी लेखिका ये नहीं रही, 90 वर्ष की आयु में, इनका जो मोस्ट फेमस नॉवल है वो है आपका बंटी। उसके बाद अहमद शाह अहमदजई, ये अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और जिहादी नेता थे, ये नहीं रहे। अभी बरोट, ये सौराष्ट्र के बैट्समैन थे, ठीक है, ये नहीं रहे, काफ़ी कम उम्र के आयु में। उसके बाद आनंद शंकर पंड्या, ये विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष थे, नहीं रहे। पुनीत राजकुमार, ये कन्नड़ अभिनेता जिनको अभी अवार्ड हमने आपको बताया बासवश्री पुरस्कार मिलेगा, ये नहीं रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं स्कीम्स पर, स्कीम्स काफ़ी सारी लॉन्च की गई नवंबर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कई सारे स्टेट्स की तरफ से। डेयरी सहकार योजना, डेयरी सहकार योजना गृह मंत्रालय की है, ठीक है, और ये लागू की जाएगी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, और ये अमूल का जब 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था तब इसका शुभारंभ किया गया अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है, 31 अक्टूबर 2021 को।
वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इनिशिएटिव जो है किसने अनाउंस किया था COP26 में, ये तो आपको नाम से पता चल रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव है, ये अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी और बोरिस जॉनसन ने ग्लासगो में इसको अनाउंस किया था। इस परियोजना का लक्ष्य है, परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करना चाहती है, यानी कि जो देश सौर ऊर्जा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण, उनको भी लाभ यहाँ पर पहुँचाया जा सके। ठीक है, समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ले रहे हैं, आप सब जानते हैं इसके बारे में, सब आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से लॉन्च किया गया ये ज़्यादा नहीं कहीं मेंशन है। तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये मानव युक्त महासागर मिशन है, इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई से। ठीक है, जितेंद्र सिंह जी ने औपचारिक रूप से इसको चेन्नई में लॉन्च किया है, समुद्रयान मिशन। दुआरे राशन योजना, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की नाम से पता चल रहा है, 10 करोड़ लोगों को दुआरे राशन यानी राशन एट डोर स्टेप का ये बेनिफिट देंगे स्कीम के तहत, 16 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्वस्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास योजना, यूपी इन सीटू स्लम रिडेवलपमेंट पॉलिसी, सबसे पहले तो किस डेट को आई थी, 28 अक्टूबर को, ये याद रखिएगा, ये सब पूछ लिया जाता है। स्लम को डिफाइन कैसे किया जाता है उत्तर प्रदेश में, सेक्शन 3 जो है उत्तर प्रदेश स्लम एरियाज इंप्रूवमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 1962 के तहत, जो मतलब कह सकते हैं सेक्शन 3 है, उसमें स्लम को डिफाइन किया गया उत्तर प्रदेश में। इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा होगा, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी यानी SUDA उत्तर प्रदेश के द्वारा ये स्कीम को लागू करेंगे। मलिन बस्ती घोषित की जाएगी और उनका समेकित डेवलपमेंट किया जाएगा, न्यूनतम 300 व्यक्ति अगर निवास करते हैं किसी बहुत ही अनडेवलप्ड एरिया में तो उसको मलिन बस्ती कह दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद श्रमिक मित्र योजना, ये दिल्ली गवर्नमेंट लाई है। ठीक है, कभी कभी सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि स्कीम किस स्टेट की है, जैसे रीसेंट ट्रेंड में पूछा जा रहा है। उसके बाद सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना यानी कि हेल्दी हेल्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव या फिर चीफ मिनिस्टर हेल्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव किसका है, मणिपुर की गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके बाद टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया किरण रिजिजू के द्वारा, टेली लॉ मोबाइल ऐप, इसमें लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले वकीलों के पैनल से जोड़ा जाएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक पार्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। हेल्दी वुमेन हेल्दी गोवा इनिशिएटिव, ये यू वीकैन फाउंडेशन और गोवा की सरकार ने लॉन्च किया है। यू वीकैन फाउंडेशन युवराज सिंह की है, युवराज सिंह को भी कैंसर हुआ था। ठीक है, और उन्होंने सक्सेसफुली उसको हरा दिया कैंसर को, स्वस्थ हो चुके हैं वो पूरी तरीके से, तो जब से वो स्वस्थ हुए हैं तो लगातार कैंसर पीड़ितों के लिए काम कर रही उनकी फाउंडेशन यू वीकैन। तो इसमें क्या होगा, यू वीकैन इनिशिएटिव से गोवा की 1,00,000 वुमेन को 2 साल में 50% जो भी हैं उनको एज एलिजिबल, मतलब जो 50% एलिजिबल एज वाली फीमेल है उनको इसमें जांच करवाई जाएगी ब्रेस्ट कैंसर की। ठीक है, फ्री स्क्रीनिंग उनको करवाई जाएगी। स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भाषा संगम इनिशिएटिव लॉन्च किया है और भाषा संगम मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। मल्टीभाषी नामक एक स्टार्टअप कंपनी है, उसने माई गॉव के साथ मिलकर के ये भाषा संगम मोबाइल ऐप अभी लॉन्च किया है। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम काफ़ी फेमस है उत्तर प्रदेश की, तो उसी की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट स्कीम उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है। ठीक है, तो लोकल प्रोडक्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में इसमें प्रमोट करेंगे, खैर वहाँ तो जिले का, मैं अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी स्कीम लॉन्च हो जाए तो याद करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी एस्पिरेंट्स को। ठीक, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट स्कीम अभी हाल में किसने लॉन्च किया है, इतना हमारा याद रखना जरूरी है, किसने लॉन्च किया है, उत्तराखंड सरकार ने। उसके बाद कृषि उड़ान 2.0 इनिशिएटिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च की है, बेसिकली ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और मिनिस्टर ऑफ एविएशन है इस समय। कृषि उड़ान 2.0 का उद्देश्य वही है जो कृषि उड़ान 1 का था लगभग, तो इसमें इसका उद्देश्य एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, कई बार हमको लगता है कि हमें पता है लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन में। तो कंट्रीब्यूशन कृषि उड़ान 2 किसमें करेगी, वैल्यू रियलाइजेशन थ्रू बेटर इंटीग्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस एंड एयर ट्रांसपोर्ट एंड ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड रिजाइलेंस टू एग्री वैल्यू चेन। कुल मिलाकर लॉजिस्टिक्स प्रदान किया जाएगा एयर रूट के द्वारा, तो जिससे अच्छी वैल्यू रियलाइजेशन मिल सके फार्मर्स को, ये वाली बात है। ठीक है, धनवंतरी मेडिकल स्टोर योजना, ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया था 20 अक्टूबर को और कुल मिलाकर के अफोर्डेबल प्राइस पर जेनरिक दवाएं इसमें उपलब्ध करवाई जाएंगी छत्तीसगढ़ के लोगों को, और उसमें 50% तक की छूट दी जाने की बात कही जा रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, तो जैसे दुआरे राशन स्कीम वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की है, वैसी ये स्कीम अभी लॉन्च की गई है 19 अक्टूबर को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आपके द्वार राशन स्कीम। उसके बाद संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MPLAD इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं। इसको कह दिया गया कि जब तक वित्त आयोग का कार्यकाल है 15वें वित्त आयोग का, तब तक इसको भी जारी रखा जाएगा, यानी कि 2025-26 तक इसको जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। इसका आप बताइए कुल मिलाकर फंड कितना होता है, यानी कि एक MP अपने एरिया में MPLAD के तहत कितना खर्च कर सकता है प्रेजेंट में बताइए, और पहले का भी बताइए कि पहले कितना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना, ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, ये लॉन्च किया गया 14 नवंबर को, 246 शहर इसमें भाग ले रहे हैं। कुल मिलाकर क्या होगा कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के कार्यों में मशीनीकृत प्रौद्योगिकी को शामिल करने की
बात कही जाएगी, मशीनीकृत करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। कुल मिलाकर जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग से कई आपको घटनाएं देखने को मिलती हैं कि लोगों की जान चली जाती है, लगातार ये इस पर बात होती रही है, तो इसको एक चैलेंज के रूप में लेने के लिए, यानी कि सफाई होगी, ऐसा नहीं कि सफाई रोक देंगे सेप्टिक टैंक की और रिसीवर्स की, लेकिन वो मशीनों से होगी, उसमें किसी भी मतलब मनुष्य को नहीं उतरना पड़ेगा नाले में, जिससे उनकी जान जा सकती है। उसमें गैस रिसाव से कई बार जाने जाती नहीं लोगों की सेप्टिक टैंक सफाई के चक्कर में, सीवर सफाई के चक्कर में सफाई कर्मियों की, तो उसको रोकने के लिए और मशीनीकृत करने के लिए सेप्टिक टैंक की सफाई को लॉन्च किया गया है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो जो आपको ऊपर हिंदी में बताया गया है वही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसका नोट्स ले सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने में सेव कर सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के झांसी में शुरू किया गया है, जैसे आपको पता है कि तमिलनाडु में और दूसरा डिफेंस कॉरिडोर जो है उत्तर प्रदेश में बन रहा है, तो उसमें उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहां कहां से गुजरेगा? आपका आगरा, झांसी, अलीगढ़, लखनऊ, चित्रकूट और कानपुर में इसके नोड्स होंगे। तो अभी झांसी में इसको पहले नोड को शुरू कर दिया गया है जब पीएम ने विजिट किया था इसको, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस मंथ जो है इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, और साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को भी अनाउंस कर दिया है। अभी आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो उसका आंसर होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लेकिन अगर पूछे कि भविष्य में कौन सा हो सकता है तो गंगा एक्सप्रेसवे होगा, ठीक है। तो इसके लिए जमीन वगैरह जो है अधिग्रहित की जा चुकी है, 12 जिलों से होकर गुजरेगा जिनके नाम ये दिए हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप ग्रैस्प करिए अभी के लिए, जब बनेगा तब देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21वीं सदी के लिए प्रायोगिक शिक्षा कार्यक्रम, ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय और सीबीएसई बोर्ड ने संयुक्त रूप से शुरू किया है 21वीं सदी के लिए प्रायोगिक शिक्षा पर एक ऑनलाइन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। ये किसके लिए है? ये छात्रों के लिए नहीं, याद रखिएगा, शिक्षकों के लिए है, ठीक है। 21वीं सदी के लिए प्रायोगिक शिक्षा पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र कार्यक्रम, ये आपका शिक्षकों के लिए है। मुफ्त शिक्षा योजना भी लॉन्च की हरियाणा की सरकार ने, ठीक है, इतना याद रखिए आप, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का सृजन इसके लिए किया जाएगा, ठीक है। इस योजना के तहत पार्टनरशिप होगी गवर्नमेंट और निजी लोगों की, निजी संस्थाओं की, किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य और स्थापना सुविधा विकास जो है पंचायती राज अधिनियम 1947 में प्राविधानित कार्यों को यदि कोई व्यक्ति कराना चाहता है, कोई ठेका लेना चाहता है किसी पार्क के निर्माण का, किसी पुलिया के निर्माण का, तो आगे आ सकता है। उसमें कार्य की लागत का 60% जो है इच्छुक व्यक्ति वहन करेगा और शेष 40% उत्तर प्रदेश राज्य सरकार वहन करेगी, और एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर जो है छोटे लेवल पर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने राज्य की सरकार के साथ मिलकर के। ये है यहाँ पर उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, मतलब अपनी मातृभूमि के लिए हम कार्य करना चाहते हैं। आप अपने गांव के पास देख रहे हैं कि पार्क बहुत बदहाल है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, आप अथॉरिटीज़ को लेटर लिखते रहते हैं और वो कुछ होता नहीं है उसका, तो आप आगे आ सकते हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप उसमें लगा सकते हैं, राज्य सरकार उसके लिए हेल्प करेगी। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की है, इसमें 18 से 40 वर्ष तक की आयु के न्यूनतम 12वीं पास युवाओं को इसका लाभ प्राप्त होगा कुल मिलाकर के। तो बेसिकली युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, इतना याद रखना आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद आते हैं भारत गौरव स्कीम पर। भारत गौरव स्कीम जो है ये शुरू की गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की है, सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि भारत गौरव देख करके आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की कोई योजना है, क्या टूरिज्म इंडस्ट्री की कोई योजना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत गौरव योजना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की है। इसके तहत क्या होगा कि निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर आप ट्रेनें ले सकते हैं और अपनी किसी भी पसंद के सर्किट पर चलवा सकते हैं, तो इससे टूरिज्म तो प्रमोट होना ही होना है, लेकिन एक तरीके से हम जो है कह सकते हैं संभावनाओं को इंक्रीज करना चाहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं सबसे अच्छा आइडिया उन्हीं के पास है, एक बहुत अच्छा, बहुत इनोवेटिव और बहुत ही इफेक्टिव आइडिया किसी एंटरप्रेन्योर के पास हो सकता है, किसी निजी ऑपरेटर के पास हो सकता है, किसी टूर ऑपरेटर के पास हो सकता है, तो उनको भी मौका दिया जाएगा ये सब रेलगाड़ियाँ यूज़ करने का, ठीक है। तो ये है भारत गौरव योजना। उसके बाद है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये तो काफ़ी दिन से न्यूज़ में, इसमें क्वेश्चन भी बन चुके हैं काफ़ी सारे, आपको बस याद रखना है कि इसको आगे बढ़ा दिया गया है अगले 4 महीनों के लिए, दिसंबर 2021 में खत्म होनी थी, अभी मार्च 2022 तक चलती रहेगी, ठीक है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर देखेंगे, नवंबर के 71वें ग्रैंड मास्टर हमारे कौन है? संकल्प गुप्ता, और 72वें कौन है? मित्रभा गुहा, ठीक। वीटीबी क्रेमलिन कप में पुरुष एकल विजेता है असलान करत्सेव, ये रूस से हैं, और इसमें उप विजेता है मारिन सिलिक क्रोएशिया से, महिला एकल विजेता है एनेट कोंटावाइट एस्टोनिया से, और महिला एकल उप विजेता है एकेट्रीना अलेक्जेंड्रोवा, ये रशिया से, ठीक, इतना याद रखेंगे। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पाकिस्तान के आसिफ अली, और आयरलैंड की लॉरा डिलानी, ये अक्टूबर मंथ की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ रही हैं पुरुष और महिला क्रिकेटरों में। उसके बाद डब्ल्यूटीटी कंटेंडर टूर्नामेंट, कंटेंडर टूर्नामेंट में मणिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी में महिला युगल का ये खिताब जीता है। तो लॉस्को में कुल मिलाकर के ये टेबल टेनिस कंपटीशन हुआ था, इसमें मणिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने महिला युगल की इवेंट में ये खिताब जीता है। युगल का मतलब होता है कि पेयर में जब खेला जाता है, मणिका बत्रा और अर्चना गिरीश यहाँ पर पेयर के तौर पर खेल रही थी सामने के दो अपोनेंट्स से। योनेक्स डच ओपन किसने जीता है? लोह यिन येव ने, ये सिंगापुर से हैं पुरुष एकल विजेता में। उपविजेता कौन रहे हैं? लक्ष्य सेन भारत से, और महिला एकल उपविजेता रही हैं क्रिस्टीन कुबा एस्टोनिया से, और उपविजेता रहे हैं अबिगेल होल्टन इंग्लैंड की महिलाएं, ठीक है। तो ये हो गया योनेक्स डच ओपन। उसके बाद बिग बैश लीग से जुड़ने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर होंगे उन्मुक्त चंद, मेलबर्न रेनिगेट्स नाम की टीम से जुड़ेंगे बिग बैश लीग में।
उसके बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अभी हाल में महिला जयवर्धने, शॉन पोलाक और जेनेट ब्रिटेन को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन ओपन 2021, इसमें पुरुष एकल विजेता है जैनिक सिनर इटली से, डिगो शॉर्ट्समैन अर्जेंटीना से उपविजेता, ये हैं ये यूरोपियन ओपन में। उसके बाद टी20 विश्व खिताब 2021, तो मतलब टी20 विश्व कप हुआ था, टीम इंडिया का कुछ अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं। कुल मिलाकर हम याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा करके टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया, जो कि पहले भारत में होना था, कोविड की वजह से कैंसिल हुआ, वो गया आपका यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक है। ये सब आपको पता होगा पूर्व में अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये काफ़ी जरूरी है। 13 वर्षीय तजामुल इस्लाम ये लड़की हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ये कश्मीरी लड़की ने मिस्र के केरो में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं ये तजामुल इस्लाम। बर्मिंघम 2021 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसमें पहली बार क्रिकेट खेला जाएगा, उसमें विमेंस क्रिकेट खेला जाएगा टी20 फॉर्मेट में। पहली बार ऐसा होगा किसी जो है इस तरीके के गेम्स में क्रिकेट एक डिसिप्लिन के तौर पर शामिल हो रहा है। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है आकाश कुमार बॉक्सर ने ब्रॉन्ज मेडल अभी जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल मिलाकर के 7वें भारतीय पुरुष बॉक्सर बने हैं, ठीक है। जोजो चैंपियनशिप ये हुई थी, ये बेसिकली गोल्फ का कंपटीशन है, इसको जीता किसने था, हिदेकी मात्सुयामा जो कि जापान से, उन्होंने, बस इतना याद रखिएगा। इसमें ग्लेन ब्रावो ने संन्यास ले लिया है, ठीक है, ये आपके वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, काफ़ी दिन से खेल रहे हैं और टी20 की लगभग हर लीग में खेलते आ रहे थे, अभी नहीं खेलेंगे। उसके बाद विक्टर डेनमार्क ओपन पुरुष एकल विजेता विक्टर एक्सेलसन रहे हैं डेनमार्क से और उपविजेता रहे हैं केंटो मोमोटा जापान से। उसके बाद विक्टर डेनमार्क ओपन में महिला मुकाबलों में अकाना यामागोशी रही हैं जापान से विजेता और ऑन सेयोंग ये दक्षिण कोरिया से ये उपविजेता रही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद TCS कंपनी जगुआर की फॉर्मूला 1 की ई टाइटल पार्टनर बन गई है, ठीक है। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया गया था, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजरुद्दीन ने जो है परनोड रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा डिज़ाइन किया गया विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया था, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। बल्ला 56.10 फीट का था, वजन इसका 9 टन था, ये चिनार की लकड़ी से बना हुआ था। 37th मास्टर्स टाइटल जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया से है, इन्होंने डेनियल मेडवेडेव को हराया जो कि रशिया से हैं, ठीक है। और 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं राशिद खान, ये अफगानिस्तान से खेलते हैं। उसके बाद पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था, ये याद रखना है आपको, वेन्यू याद रखना है भुवनेश्वर ओडिशा। उसके बाद ये आपका ISSF प्रेसिडेंट्स कप राइफल और पिस्टल इवेंट्स हुए थे, इसमें मेजर इवेंट्स हमने लिख दिए हैं, सारे नहीं याद करना जरूरी है, जैसे मनु भाकर और ईरान के जावाद फरौदी ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीता। मिश्रित टीम का क्या मतलब हुआ कि दो अलग अलग देशों के शूटर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें स्वर्ण पदक इनकी टीम ने जीता, ठीक। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक मनु भाकर ने और तुर्की की ओजगुर वर्लिक की जोड़ी ने जीता। महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में भारत की राही सरनोबट ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। और पुरुषों की 10 मीटर में भारत के सौरभ चौधरी जो कि मेरठ से हैं उत्तर प्रदेश से, इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर जीता। भारत के अभिषेक शर्मा ने जो है कांस्य पदक जीता इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में, बस इतना याद रखना काफी है, यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हम लोग आगे, इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट में जापान के केंटो मोमोटा ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन को हरा करके ये इंडोनेशिया मास्टर्स जीत लिया। और उसके बाद विमेंस में अगर देखें तो साउथ कोरिया की एन सियांग ने अकेन यामागोशी को हरा दिया जापान से और ये टाइटल जीत लिया। तो आप देखेंगे कि जो है यामागोशी एक इवेंट में हारी, एक में जीती, ऊपर हमने एक इवेंट बताया था जिसमें वो हार गई थी और इसमें जीत गई। अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में हो रहा है और इसमें कुल मिलाकर भारत ने 5 मेडल जीते हैं जिसमें 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है, ठीक है। और किसने किसने पदक जीतला भारत के लिए, अंजू ने, ठीक है। उसके बाद निशा ने, राधिका ने, दिव्या काकरन ने, इन सब के नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये किस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से एसोसिएटेड है, तो ये सब एसोसिएटेड है आपकी रेसलिंग से, दिव्या, निशा, अंजू, राधिका। 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की अगर बात कर लें तो इसका आयोजन हुआ था ढाका में, इसमें कुल मिलाकर इंडिया ने क्या प्रदर्शन किया था याद रखिए, जैसे इसमें 7 मेडल जीते कुल मिलाकर, ये ध्यान रखिए। शीर्ष स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा था, सेकंड पर भारत और तीसरे पर बांग्लादेश और कजाकिस्तान संयुक्त रूप से। अभी अनाउंस किया गया था कि एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 कहाँ पर होंगे, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में, ठीक है। उसके बाद आईसीसी के कुछ इवेंट्स अभी अनाउंस करे गए हैं, उससे पहले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीत लेते, किसने जीता किसको रहा है तो आपको बता दिया हमने, लेकिन जो है ये 7वां संस्करण था, मेजबान देश पहले भारत था लेकिन कोविड की वजह से ये UAE में हुआ और प्लेयर ऑफ द मैच इसमें मिशेल मार्श, प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर, ये सब रहे थे याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया पहली बार टी20 विश्व कप जीता है याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ पर होगा, वेस्ट इंडीज़ में होगा, ठीक याद रखना है आपको। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराया था फाइनल में और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 वाली जीत ली है। ICC के 2024 से 2031 तक मेजर जो इवेंट होने हैं वो कहाँ कहाँ पर होंगे उनकी लिस्ट आ गई, जैसे आपका टी20 विश्व कप 2024 पुरुष वाला ये कहाँ पर होगा, ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि US और वेस्ट इंडीज़ में। ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 ये भारत और श्रीलंका में होगा। उसके बाद जो है
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत में होगी, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2030 इंग्लैंड आयरलैंड स्कॉटलैंड में होंगे, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2031 भारत और बांग्लादेश में होंगे। उसके बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 कहां पर होगा अगर आप सोच रहे हैं तो इसका मेजबान होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के 7 सिटीज़ में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अंडर 14 विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हमने आपको बता दिया पहले ही। टी20 वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन मार्टिन गुप्टल बन गए हैं और विराट कोहली से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, अभी तक विराट कोहली थे सबसे ज्यादा टी20 क्रिकेट में रन बनाने वाले बल्लेबाज। वियना टेनिस ओपन 2021, इसमें अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने यूएस के फ्रांसिस टियाफो को हरा करके वियना ओपन जीत लिया यहाँ पर, ठीक है। ATP फाइनल्स मुकाबले में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जो है डैनियल मेडवेडेव को हराया था जो कि रशिया से हैं, और इन्होंने जो है ATP फाइनल 2021 जीत लिया। एबी डिविलियर्स जो कि साउथ अफ्रीका से खेलते थे वो अब नहीं खेलेंगे। WTA फाइनल खिताब, तो टेनिस में स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने एस्टोनिया की एनेट कॉन्टाविट को हरा करके पहला अपना WTA फाइनल टाइटल जीता। नवंबर 2021 में समिट्स देखेंगे हम लोग, 18वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन या फिर 18th इंडो आसियान समिट, ये ब्रुनेई की सुल्तान की अध्यक्षता में हुई थी, मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कुल मिलाकर मोदी जी की 9वीं आसियान भारत समिट है जब से वो बने हैं अपने सेकंड कार्यकाल पहले को मिलाकर के, और कुल मिलाकर 18वीं थी, इतना आपको याद रखना है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII एशिया हेल्थ समिट, इसका थीम क्या था, इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर बेटर टुमारो, ये इसकी थीम थी याद रखिएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी तो कोई हमको वेन्यू याद रखना नहीं है। ग्लासगो में बहु प्रतीक्षित आपकी समिट या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, COP26 है ये, इसमें भारत ने पंचामृत पर जोर दिया, ये 5 सूत्री योजनाएं भारत की, ठीक है, 5-फोल्ड प्लान है, 5-पॉइंट प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है ये आप देखिए यहाँ पर। 500 गीगावाट एनर्जी टारगेट नॉन फॉसिल फ्यूल्स से हमको अचीव करनी है 2030 तक, ठीक, तो ये है। फिर उसके बाद है कि 50% जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जाएगी भारत में 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल्स से। एमिशंस को कट करेंगे हम लोग, 1 बिलियन टन की कटौती यहाँ पर करेंगे हम कार्बन एमिशन्स में 2030 तक, ये प्लेज लिया गया। चौथा प्लेज था कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक हम जो है रिड्यूस करेंगे 2030 तक, और नेट जीरो एमिशन का टारगेट भारत अचीव करने वाला है 2070 तक, ठीक है। एक रियलिस्टिक अप्रोच हमने दी है, ऐसा नहीं कि जो है सऊदी अरब और चाइना और रशिया जैसे बोल दिया है कि 2060 तक नेट जीरो अचीव करेंगे, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के मन में डाउट है जब से मोदी जी ने अनाउंस किया था कि पहले तो ये टारगेट 450 गीगावाट का था, क्या ये टारगेट अचीव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि बहुत तेजी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ रही है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में कुल मिलाकर भारत आज की डेट तक जो है 5th पर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का ही टारगेट करना कोई बड़ी बात नहीं, आप अपने एग्जाम के लिए क्या मानेंगे, तो मेरे हिसाब से अगर ये बताया जाए कि COP26 की 5-पॉइंट प्रोग्राम में भारत ने क्या प्रॉमिस किया है तो ये आंसर होगा, अदरवाइज हमारा वही रहेगा 450 गीगावाट 2030 तक। तो G20 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित हुआ, कई सारे जो सब समिट्स होते हैं, समिट के अलावा भी कई सारे जो आपके कॉपरेशन और जो है थीम बेस्ड मीटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे कंडक्ट हुई रोम इटली में, तो इटली में ये हुआ है, बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना है। 2020 में जब हुआ था G20 तो पूछा गया था BEO के पेपर में, पिछली बार कहाँ पर हुआ था समिट, सऊदी अरब में हुआ था, 2021 वाला इटली में हुआ है, 2022 वाला कहाँ पर होगा, 2022 वाला इंडोनेशिया में होगा याद रखिएगा, और 2023 का समिट जो है दिल्ली में होगा भारत में, ठीक है। तो इंडिया कप जो है ये समिट ऑर्गेनाइज करने वाला है याद रखिएगा 2023 में, G20 समिट 2023 इंडिया में होगा, 2022 वाला होगा आपका इंडोनेशिया में। तीसरा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 गोवा में हुआ था, और नौसेना अध्यक्ष जो उस समय तक थे 7 से 9 नवंबर के बीच एडमिरल करमबीर सिंह, अब तो ये बदल गए, तो इन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 कहाँ पे हुआ, आशा है कि इसकी वेन्यू ही पूछी जाएगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में वेन्यू ही पूछी जाएगी कि उत्तर प्रदेश क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 कहाँ पर हुआ था, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, इस तरीके के ऑप्शन होंगे, आपको लखनऊ चूज करना है। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया था, इसमें कार्बन न्यूट्रल पर आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और 3 इको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया गया था, ठीक है। RBI का फर्स्ट एवर ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च किया गया है, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको कहा जा रहा है, और इसकी थीम क्या है, थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स, हिंदी में भी यही लिखेंगे, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट इसकी थीम थी। RBI का ये पहला हैकाथॉन है, इसका नाम हैकाथॉन का क्या है, हार्बिंजर है, ठीक है, हार्बिंजर 2021। इसके बाद है दक्षिण क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन, ये बेंगलुरु में हुआ था, जी किशन रेड्डी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का एशिया हेल्थ समिट, ये बता चुके हैं आपको पहले भी, ये काफ़ी ज़रूरी, 14वां अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो, तो अर्बन मोबिलिटी एक्सपो ये हुआ था कोच्ची केरल पे, और इसकी थीम थी मोबिलिटी फॉर ऑल, और किसने ऑर्गेनाइज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, मोबिलिटी फॉर ऑल इसकी थीम थी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग ये कहाँ पे हुई थी, शिमला में, ठीक है, ये 82वीं थी कुल मिलाकर के। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन रोम में हुआ था, और इसमें तेलंगाना को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, और FAO के तत्वाधान में सम्मेलन हुआ था, ये याद रखना है आपको, तेलंगाना को इसमें इनवाइट किया गया था, ये याद रखना है आपको, 4 से 5 नवंबर के बीच हुआ था रोम में। तीसरा हेलीकॉप्टर समिट, हेलीकॉप्टर समिट कहाँ पे हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में, इंडिया एट द रेट 75 एक्सपेडाइटिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री एंड इनहेंसिंग एयर कनेक्टिविटीज की थीम थी। आदिवासी गौरव महासम्मेलन ये भोपाल में हुआ था, और जो है
प्रधानमंत्री जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया, राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया, ठीक है, और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा हर वर्ष 15 नवंबर को, यह भी अनाउंस यहां से किया गया था। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता, अफगानिस्तान पर दिल्ली सुरक्षा तीसरी ये वार्ता थी। कुल मिलाकर पहले दो संस्करण कहां पे हुए थे, 2018-2019 में हुए थे, 20 में कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। ये दोनों ही संस्करण इससे पहले कहां पे हुए थे, ईरान में, ठीक है। दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग को प्रसाइड किया था अजीत डोवाल ने। उसके बाद 29वां हुनर हाट ये कहां पे लगेगा, रामपुर में। हुनर हाट वैसे लगते रहते हैं, इनकी पूरी लिस्ट भी होती है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में लगेगा तो उत्तर प्रदेश के छात्र इस पर विशेष फोकस करेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि अक्टूबर से जो है नवंबर तक आप अक्टूबर में जो है हुनर हाट कहां पे लगा था उत्तर प्रदेश में, तो ये लगा था रामपुर में। फिर उसके बाद इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, ये हुआ था ला रियूनियन जो आइलैंड है पेरिस में फ्रांस में, वहां पे हुआ था पेरिस के पास, ठीक है, ला रियूनियन आइलैंड फ्रांस में। 12 नवंबर 2021 को सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे किसके द्वारा किया गया था, सीबीएसई के द्वारा, याद रखना है आपको। स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ये कहां पे चलाया गया है, ओडिशा में, ठीक है। स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कहां पे, ओडिशा में, बस इतना याद रखना काफी है। उसके बाद 21वीं आईओआरए मंत्रियों की परिषद की बैठक, यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की एनुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीट कहां पे होगी, या हुई, ये हुई थी आपकी 17 नवंबर को ढाका में, बांग्लादेश में, याद रखना है आपको। दुबई एयरो शो लगा था दुबई में, ठीक है, 14-18 नवंबर को, और दुबई का मतलब अब तक का सबसे बड़ा दुबई एयरो शो आयोजित हुआ था, ठीक है, अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। भारत की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से जो एरोबेटिक्स टीम शामिल हुई थी वो कौन सी थी, सारंग और सूर्य किरण। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन नवंबर में कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में हुआ था, दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में आयोजित किया गया था, काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम, तो विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक के संयुक्त तत्वाधान में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम आयोजित किया गया है, ठीक है। वी पावर का उद्देश्य क्या है, पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क में दक्षिण एशिया की महिलाओं को प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाना है, ठीक है, दक्षिण एशिया की महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को उसमें आगे बढ़ाना है, यहाँ पर पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस का 7वां एडिशन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था गोवा में, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 बेसिकली कहाँ पे हुआ, गोवा में हुआ। इसकी थीम क्या थी, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्पाम्स इंडिया। पार्लियामेंट फ्रेंडशिप एसोसिएशन, संसद मैत्री संघ बनाया गया है, भारत और श्रीलंका ने इसको बनाया है, ठीक है। तो मतलब अगर आपसे पूछ लेंगे डायरेक्टली कि पार्लियामेंट फ्रेंडशिप एसोसिएशन भारत का किस देश के साथ है, तो उसमें कई सारे पड़ोसी देशों के ऑप्शन होंगे, तो उसमें श्रीलंका आप लगाएंगे, ठीक है। उसमें समिट फॉर डेमोक्रेसी आयोजित की गई थी, काफ़ी इसलिए चर्चा में आई थी कि उसमें चाइना को नहीं बुलाया गया था और ताइवान को इन्वाइट किया गया था यूएस की तरफ से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यूएस ने इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था, समिट फॉर डेमोक्रेसी, और इसमें ताइवान को इन्वाइट किया, 100 कंट्रीज को इन्वाइट किया, लेकिन यूएस ने जो है चाइना और रशिया को इस मीटिंग में जो है इन्वाइट नहीं किया था। तो थोड़ी जियो पॉलिटिकल टाइप की न्यूज़ बनी थी, ये आ सकता है आपके पेपर में। रैंक्स रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स हम लोग देखेंगे, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा, पीएसी के द्वारा, जो कि नॉन प्रॉफिट बेस्ड थिंक टैंक है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में ये देखा गया है कि गवर्नेंस कैसी है स्टेट की, और बेसिकली कोविड-19 को कर्व करने में उनकी क्या भूमिका रही है। तो सबसे अच्छी भूमिका इन्होंने केरल की मानी है, हालांकि केसेस अभी भी वहां पे थम नहीं रहे, फिर भी तमिलनाडु की दूसरी और तेलंगाना तीसरे नंबर पर इन्होंने रखा है। बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में सिक्किम को टॉप पर रखा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्होंने पुडुचेरी को टॉप पर रखा है, ठीक है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम ने जारी किया है, तो इनके हिसाब से भारत जो है 30 देशों में से 18वें स्थान पर है। कुल 30 देशों की रैंकिंग इन्होंने जारी की है, सबकी नहीं, तो 30 देशों में टॉप पर इन्होंने रखा है नॉर्वे को, सेकंड पर न्यूजीलैंड को, और आखिरी पर इन्होंने रखा है ब्राजील को। ऊर्जा दक्षता सूचकांक अभी तक 2019 का ही चल रहा था, अभी लेटेस्ट आ गया 2020 का। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा ये जारी किया जाता है आपका ऊर्जा दक्षता सूचकांक। इसमें टॉप पर है कर्नाटक, सेकंड पर राजस्थान है, थर्ड पर हरियाणा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स, ये भी जो है 2019 में आखिरी बार आया था और लेटेस्ट आ गया है। इसमें लॉजिस्टिक्स पर देखा जाता है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है, तो लॉजिस्टिक्स के मामले में टॉप पर गुजरात है, ठीक है, सेकंड पर हरियाणा, थर्ड पर पंजाब, फोर्थ पर तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश का स्थान इन्होंने छठा रखा है, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट उत्तर प्रदेश ने किया है, क्योंकि 2019 में इनकी रैंक 13वीं थी। फिर उत्तराखंड ये 13वें पर है, पिछली बार इनकी रैंकिंग 19 थी, और झारखंड पिछली बार 17वें नंबर पर था, इस बार है 12वें नंबर पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 आ चुका है, जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। एक बार फिर से इन्होंने टॉप थ्री में किसी को नहीं रखा है, पिछली बार भी टॉप थ्री में किसी को नहीं रखा था, रैंकिंग यहाँ पर 4 नंबर से चालू हो रही है। डेनमार्क यहाँ पर टॉप पर है, भारत का स्थान इन्होंने रखा है टॉप 10 में आखिरी, यानी 10वां, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट, यानी कि कौन कौन से सबसे परोपकारी व्यक्ति हैं। तो वैसे तो मुकेश अंबानी अमीरों की लिस्ट में हमेशा टॉप पर होते हैं, लेकिन परोपकारियों की लिस्ट में थर्ड पर हैं। सबसे अधिक परोपकारी व्यक्ति इनके हिसाब से हैं अजीम प्रेम जी, फिर हैं शिवनादर।
टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स आ चुकी है, इसमें भारत के कौन कौन से संस्थान शामिल हैं, रैंकिंग अगर नहीं भी याद करेंगे तो भी मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। ये संस्थान टॉप 200 में शामिल हैं, इसमें फर्स्ट पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएस की, इतना ध्यान रखना काफी है। फिर इसके बाद IQAR एक स्विट्जरलैंड बेस्ड एक क्लाइमेट ग्रुप है, इनके द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी जारी किया गया है, तो इनके हिसाब से लाहौर में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा खराब है, फिर दिल्ली में है, फिर बिश्केक, फिर बीजिंग, फिर वुहान, और जो है एक और भारतीय शहर इसमें शामिल है, सिक्स पर कोलकाता। तो भारतीय शहरों के जो है कौन कौन से नाम शामिल हैं इसमें, दिल्ली, कोलकाता, बाकी यहाँ पर साउथ एशिया के और भी सिटीज़ हैं। तो टॉप पर कौन है, लाहौर यानी सबसे खराब एयर क्वालिटी, फिर दिल्ली, फिर छठे पर कोलकाता, दसवें पर कराची। फिर ऐसे ही QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ चुकी है 2022 की, QS के द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इन्होंने टॉप पर रखा है, और भारत की तरफ से जो इसमें संस्थान शामिल है वो IIT मद्रास है, IIT बॉम्बे है, और IIT दिल्ली है, हमेशा यही होते हैं, ISC बेंगलुरु कभी कभी शामिल होता है, जनरली यही होते हैं। ठीक है, टॉप पर कौन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। टॉप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन एजुकेशन सेक्टर, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन सेक्टर में टॉप पर है सितंबर मंथ तक, उनकी लिस्ट जारी की थी नीति आयोग ने, तो एजुकेशन सेक्टर में टॉप पर इन्होंने रखा है भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना को, फिर छतरा झारखंड को, और फिर साहिबगंज झारखंड को, फिर नुआपाड़ा, फिर जैसलमेर, एटलीस्ट टॉप थ्री आप जरूर याद रखिएगा इसमें। ठीक है, भूपालपल्ली, छतरा और फिर साहिबगंज, दो झारखंड से और टॉप पर भूपालपल्ली आपका तेलंगाना से, ये एजुकेशन सेक्टर के मामले में टॉप पर है, ओवरऑल डेवलपमेंट मामले में नहीं, ध्यान रखिएगा। SDG का नगरीय सूचकांक आ चुका है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसमें शिमला टॉप पर है, और फिर कोयम्बटूर है, फिर चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, फिर कोच्चि है। 77 SDG संकेतकों के आधार पर 56 शहरी क्षेत्रों को रैंक दी गई है SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 में, पूरा डैशबोर्ड बना है उसमें आप देख सकते हैं मैप वाइज भी, लेकिन जितनी डिटेल्स यहां पर दी है काफी है। यूपी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी के कितने जिले इन 56 में शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। ठीक है, 7 जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश के, और सभी जो है परफॉर्मर की कैटेगरी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इन जिलों की इंडिविजुअल रैंक यहाँ पर लिख दी है, लखनऊ की है 36वीं कुल 56 में से, कानपुर की 38वीं, गाजियाबाद 41, प्रयागराज 42, और वाराणसी 46, फिर आगरा 49, और मेरठ सबसे आखिरी में 55। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे नगरीकृत जिला इस SDG शहरी सूचकांक 2021-22 के हिसाब से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा, इसको बढ़ते हैं आगे हम लोग। फिर उसके बाद रिश्वत जोखिम सूचकांक आता है, जो ट्रेस ब्राइबरी मैट्रिक्स का, ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स, ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें टॉप पर कौन है, डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर स्वीडन। ठीक है, इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की पोजीशन इस बार 82वीं है, ठीक है, 82, और 2020 में इंडिया की रैंक थी 77वीं, तो इंडिया की रैंक और ख़राब हुई है ट्रेस ब्राइबरी मैट्रिक्स में। सबसे खराब देश कौन सा, इरिट्रिया, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिश्वत ली जाती है। फिर उसके बाद स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स आ चुका है इस साल का, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जारी किया जाता है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा, इसमें टॉप पर किसको रखा गया, आंध्र प्रदेश पुलिस जो है सर्वश्रेष्ठ है, अंतिम पर कौन है, बिहार की पुलिस है। ठीक है, तो ये जो है इंडेक्स देने का शुरू हुआ था जब स्टेट और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी DGPs की गुवाहाटी में 2014 में, तब स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स का आइडिया दिया था PM मोदी जी ने, तब से जो है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जारी किया जा रहा है, और आपका भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची भी साथ में जारी की जाती है। तो भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की सूची में टॉप पर कौन है, सदर बाजार पुलिस स्टेशन, दिल्ली का उत्तरी जिले, मतलब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो है टॉप पर है, फिर गंगापुर पुलिस स्टेशन है, फिर भट्टूकालन पुलिस स्टेशन, फिर वालपोई पुलिस स्टेशन, फिर मानवी पुलिस स्टेशन। ठीक है, टॉप वाला जरूर एटलीस्ट याद रखिएगा, ये जो है सर्वश्रेष्ठ थाना है पूरे देश का। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट के द्वारा जारी की गई आपकी सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में। तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझान पर WHO की ग्लोबल रिपोर्ट आई 2000 से लेकर के 2025 तक के आंकड़ों को लेती हुई, WHO ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन टोबैको यूज प्रिवेलेंस 2000-2025, 25 वर्षों में कैसे तंबाकू उपयोग के प्रचलन देखे गए हैं, उस हिसाब से रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू के उपयोग में गिरावट और सबसे तेज गिरावट दर्ज की है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया ने, और भारत और नेपाल ऐसे देश हैं जो 2025 तक वैश्विक NCD कार्य लक्ष्य योजना को पूरी करने के लिए तंबाकू के उपयोग में डायरेक्ट 30% की कमी हासिल कर सकेंगे, यानी कि मतलब भारत में तंबाकू का उपयोग कम होता हुआ दिख रहा है WHO की इस रिपोर्ट में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की फैक्ट शीट आ गई है, RO का पेपर जिनका है 5 दिसंबर 2021 को, परेशान नहीं होंगे आप, ये नहीं आएगा, इतना लेटेस्ट डिटेल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की फैक्ट शीट आई है, इसमें कुछ कुछ आंकड़े आए हैं जो आगे के लिए आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया का TFR जो है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन जिसको कहा जाता है सिंपली, यानी कि अपनी जो कह सकते हैं पूरी लाइफ साइकिल में वुमेन कितने बच्चे जन्मेगी उसका जो एवरेज निकाला जाता है,
वो अभी तक 2.2 हम लोग हमेशा जानते थे, लेकिन लेटेस्ट फैक्ट शीट के अनुसार अब हम इसको 2 तक अचीव कर चुके हैं। ठीक है, जो हमारा बहुत पुराना टारगेट था वर्षों पहले का, उसको हम अचीव कर चुके हैं नेशनल लेवल पर। अब जो TFR है वो 2.0 हो गई है, 2.2 नहीं, यानी कि अब हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से भी नीचे आ चुके हैं। देश की आबादी में पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 दर्ज की गई है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में प्रति 1000 पुरुषों की आबादी में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 991 थी। तो ये इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये कुछ बेसिक ट्रेंड्स हैं इसके, मतलब बेसिक डिटेल्स हैं इसके, ठीक है, बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। बाकी और भी हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे पूरी फैक्ट शीट आ जाएगी, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको पिक के फॉर्म में हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए जाएंगे। पल्मोनरी टीबी रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है, द लैंसेट ने। ठीक, तो इसमें क्या इन्होंने बताया कि कुल आंकड़े का 30% हिस्सा भारत में, यानी कि घरेलू जोखिम वाली सबसे अधिक आबादी जिसको भारत में पल्मोनरी टीबी का घरेलू जोखिम है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। तो कुल जो है घरेलू जोखिम के मामले में 30% हिस्सा भारत का है, और फिर पाकिस्तान का है, और फिर आपका इंडोनेशिया का है, फिर नाइजीरिया का, इस तरीके से। तो आप याद रख सकते हैं कि पल्मोनरी टीबी की जो रिपोर्ट आई द लैंसेट की, इसके अनुसार पल्मोनरी टीबी के घरेलू जोखिम वाली सबसे अधिक आबादी कहां पर निवास करती है, भारत में। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी महत्वपूर्ण इंडेक्स, या फिर सारे इंडेक्स में नवंबर मंथ में सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आया है। मेंस के लिहाज से तो लोग पढ़ेंगे इसको, प्रीलिम्स के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है हम आपको बता दे रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, इसमें अगर आप देखें सभी स्टेट्स और यूटीज की रैंकिंग में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पर सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग पाए जाते हैं वो बिहार है। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए बिहार में जितनी पॉपुलेशन है उसमें 51.91% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। ठीक है, यानी बहुआयामी रूप से निर्धन है। ठीक, और इसको आप हेड काउंट रेशियो भी बोल सकते हैं। तो हेड काउंट रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ पर है अगर इस तरीके से पूछ ले तो बिहार में सबसे ज्यादा है। तीसरे नंबर पर स्थान उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में कितने लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, 37.79%, इसको भी याद कर लीजिएगा। और सबसे आखिर में कौन है, यानी जहां पर सबसे कम आयामी गरीब पॉपुलेशन निवास करती है, वो केरल। केरल में मात्र 0.71% लोग बहुआयामी रूप से निर्धन है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेयर करने में कौन कौन से डायमेंशंस मेजर किए हैं, तो अगर आप देखें इसमें सबसे पहला एजुकेशन है, फिर आपका हेल्थ है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो तीन मेन डायमेंशन हो गए, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उनको ग्रुप किया गया था 12 इंडिकेटर में, तो ये रिपोर्ट बनाई गई है। इतना बेसिक काफी है। अगर आपसे पूछ ले केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम बहुआयामी निर्धन जनसंख्या कहां पर निवास करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। अगर पूछ ले सर्वाधिक आपकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे अधिक निर्धन बहुआयामी रूप से निर्धन जनसंख्या कहां पर निवास करती है, किस यूटी में, तो उसका आंसर हो जाएगा दादर और नगर हवेली। इसमें NFHS 4 सर्वे के भी आंकड़ों का प्रयोग किया गया। अभी तो आपने देखा, हमने आपको बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5th आ चुका है, लेकिन इसमें 4 तक के आंकड़ों का प्रयोग किया गया, यानी 2016 तक के आंकड़े इसमें यूज करे गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, और आगे पूछा जाता रहेगा लगभग हर स्टेट PCS में। तो MCQ सेक्शन पर हम आ चुके हैं, इसमें जो भी न्यूज़ रह गई या फिर जिसे हम मल्टीपल सेक्शन में डाल सकते थे या फिर किसी भी सेक्शन में नहीं डाल सकते थे, उसको यहाँ पर कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। पहला हमारा MCQ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बुनियादी संरचना के लिए ई मुन्नेत्रम वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ई मुन्नेत्रम वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, नाम से पता चल रहा है कोई साउथ इंडियन स्टेट होगा, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। 21 अक्टूबर 2021 को देश भर में आजाद हिंद सरकार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी, तो आजाद हिंद सरकार की वर्षगांठ जो मनाई गई थी वो थी आपकी 78वीं। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंगापुर में स्थापित की गई थी। ये भी पूछा जा चुका है कि कहाँ पर बनाई थी, तो सिंगापुर में। ठीक, आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि जनवरी में किस दिन पर अब से हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे होता है उस दिन। तो बताइए किस तारीख को जनवरी में अब हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। माउंट एसो में वोल्केनो इरप्शन अभी हुआ है, माउंट एसो आपका कहां पर है, तो माउंट एसो आपका क्यूशू में पाया जाता है, जापान में, ऑप्शन नंबर ए, जापान। देन उसके बाद प्रशासन गांवों के संघ अभियान किस राज्य का है, प्रशासन गांवों के संघ अभियान है आपका राजस्थान का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। अब आप कहेंगे कि बाकी सब चीज़ें क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आपकी अवेयरनेस बेस्ड है, ठीक है, जिनको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन जो नॉर्मल एग्जाम है, मान लीजिए आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उस पर पूछा जाएगा प्रशासन गांवों के संघ अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया, तो उसका आंसर आपको राजस्थान लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अगर आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपको सारी डिटेल पता होनी चाहिए, इस वजह से सारी डिटेल भी शो करी जाती है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रशासित प्रदेश, किस केंद्रशासित प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जिसको माउंट हैरियट बोलते थे, इसका नाम बदल करके अब माउंट मणिपुर कर दिया है। माउंट हैरियट बेसिकली कहां पर था आपको बताना है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में था माउंट हैरियट, अब इसको माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाएगा। इनमें से किस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 1 नवंबर 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया, तो इस दिन जो है हरियाणा, कर्नाटक और लक्षद्वीप अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, आंसर हो जाएगा इसमें बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 नवंबर 2021 को दक्षिण मुंबई में हज हाउस और हज 2022 की घोषणा की, सही है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अभी इंडिया की कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट ऑफ वैक्सीन में जगह दी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बेसिकली, 1 और 2 बोथ करेक्ट। कोवैक्सीन को अब मान्यता ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी दे दी है, ऑप्शन नंबर सी।
आजादी के अमृत महोत्सव पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी लोरी लेखन, देशभक्ति गीत लेखन, रंगोली मेकिंग कंपटीशन जो है जारी किया था किस दिन? तो नेशनल यूनिटी डे के दिन, ऑप्शन नंबर सी। मोदी जी ने अभी महोबा को विजिट किया था 20 नवंबर को, कुछ परियोजनाओं को यहाँ पर जारी किया था। तो हमने इसमें एक तरह का क्वेश्चन बनाया जैसे यूपीपीएससी पूछता है, पुरानी परियोजनाओं नई परियोजनाओं को जोड़ करके एक सवाल पूछा जाता है। तो जब मोदी जी ने विजिट किया तो वहाँ पर भावनी डैम प्रोजेक्ट, मसगांव चिली स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट और अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट, इन सभी को इनॉग्रेट किया था। तो हमको बताना है कि ये सारे प्रोजेक्ट किस नदी पर हैं। रसीन बांध बाणगंगा पर है, सही है। भावनी डैम सजनाम नदी पर है जो कि जामनी नदी की सहायक नदी है। ऑल एंड ऑल ये सब गंगा बेसिन का ही पार्ट है। लचूरा डैम धसान नदी पर है, सही है। अर्जुन सहायक भी धसान नदी पर है। कचनौदा डैम यहाँ पर लिखा हुआ है सहजाद नदी पर, ये यहाँ पर रॉन्ग है। ये भी आपकी सजनाम रिवर पर है, ना कि सहजाद रिवर पर। तो कचनौदा डैम जो है इसका आंसर हो जाएगा सजनाम रिवर, ये नॉट करेक्टली मैच्ड है इस क्वेश्चन में। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अभी हाल में याहू ने चीन में व्यापार बंद कर दिया है वहाँ के कठोर कानून का हवाला देते हुए। उसके बाद इसरो ने अभी कहा है कि वे जल्द ही एक ऊर्जा कैलकुलेटर लॉन्च करेंगे, ऊर्जा कैलकुलेटर एप्लीकेशन जो दुनिया भर में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकेगा। वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो में चल रहे COP26 जलवायु सम्मेलन में इसको लॉन्च किया गया था। तो मीथेन प्लेज, ग्लोबल मीथेन प्लेज किससे संबंधित है? COP26 से। ये आगे तक के लिए भी आप याद कर लीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट की घोषणा की है? तो अभी ये व्हीकल पॉलिसी आई है ओडिशा में, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर पूर्णतः छूट दी जाएगी ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल में बेस्टू वर्ष मनाया गया है, बेस्टू वर्ष को किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस राज्य में सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू की जाएगी? तो इसमें डॉल्फिन सेंसस होगा पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल में किस बैंक ने सेंट्रलाइज्ड एग्री लोन प्रोसेसिंग यूनिट्स अपने लॉन्च किए थे, 16 जोनल ऑफिसेस ने? ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में COVID-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मुंह से खाने वाली गोली मॉलनिप्रिवियर को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर ब्रिटेन है। ये दुनिया की पहली एंटी कोविड ड्रग बोली जा रही है जो कि एक ओरल टैबलेट के फॉर्म में है, ठीक है, वैक्सीन के फॉर्म में नहीं। तो अभी आप सोचेंगे कि हमारे भारत में तो कई सारी ड्रग्स जो एडमिनिस्टर की गई थी जैसे कि रेमडेसिविर, जैसे कि फैबीफ्लू वगैरह, तो याद रहे आपको कि वो कोविड के कॉन्सिक्वेंसेस को ट्रीट करने के लिए करी गई थी, इन्फेक्शन को डील करने के लिए नहीं। तो कोविड इन्फेक्शन के खिलाफ जो पहली ड्रग आई है वो मॉलनिप्रिवियर मानी जाएगी, वर्ल्ड्स फर्स्ट ओरल टैबलेट इसको कहेंगे अगेंस्ट COVID-19, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बाकी हमने जो टैबलेट्स यूज़ की हैं इमरजेंसी के लिए वो COVID-19 के कॉन्सिक्वेंसेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की थी। RBI के डेटा के अनुसार 29 अक्टूबर 2021 तक इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है $1.919 बिलियन से बढ़ते हुए डॉलर से बढ़ते हुए कहां तक पहुंच गया, ये बताना है। मतलब कुल मिलाकर ये पूछ रहे हैं कि नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से 29 अक्टूबर 2021 तक भारत का टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कितना था? तो ये था आपका $642.19 बिलियन ऐसा करके लेटेस्ट ये टर्म है फॉरेक्स रिजर्व में, अभी तक इतना ही है। इसके बाद RBI जारी करेगा तो आपको मिलेगा करंट अफेयर में। और भारत की विदेशी मुद्रा संपत्ति यानी कि इंडियाज फॉरेन करेंसी एसेट टोटल इतना है, ठीक, ये याद रख सकते हैं अभी के लिए जब तक नया नहीं आ जाता। अगला सवाल है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप ने G20 शिखर सम्मेलन में इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी IMEO को लॉन्च किया, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए होने वाली कार्रवाई पर मीथेन ऑब्जर्वेटरी शुरू की गई है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी कथन सही है इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए 1 नवंबर 2021 को भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली किस सहायक कंपनी का गठन किया है? तो मतलब ये है कि जो स्पेसएक्स की जो फर्म है स्टारलिंक, वो यहाँ पर अपना ब्रॉडबैंड का सिस्टम भारत में शुरू करेगी 2022 में। तो ये है हमारी स्पेसएक्स की जो ब्रॉडबैंड कंपनी आएगी जो भारत में परिचालन करेगी, उसका नाम होगा स्टारलिंक। नवंबर 2021 में पाकलदुल जल विद्युत परियोजना के मरुसुदूर नदी मोड़ का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, ये किसने किया है खैर उतना जरूरी नहीं है, लेकिन पाकलदुल न्यूज़ में आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है पाकलदुल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। COP26 क्लाइमेट समिट में PM मोदी जी ने नेट जीरो कार्बन एमिशंस इंडिया का टारगेट कब तक अचीव करने की घोषणा की है? तो भारत ने कहा है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस का टारगेट अचीव कर लेंगे। UK, US और जापान ने कहा है कि 2050 तक अचीव करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि 2060 तक, और सऊदी, चाइना और रशिया ने भी कहा है कि वो नेट जीरो का टारगेट अचीव करेंगे 2060 तक। 5 नवंबर 2021 को मेघालय कैबिनेट ने एक नए डिस्ट्रिक्ट का सृजन अप्रूव कर दिया है, मायरांग सिविल सब डिवीज़न को अब एक पूर्ण जिले के नाम से जाना जाएगा। तो पूर्ण जिले का नाम क्या होगा? पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिला नाम होगा इसका। इसका उद्घाटन 10 नवंबर 2021 को किया गया था। तो ऐसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट करके क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में कि नवंबर 2021 में इनमें से किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक नया जिला सृजित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा मेघालय। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है।
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जलवायु के प्रति कार्यवाही की दिशा में चल रहे प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए एक पहला विशेष प्रयोजन वाहन जिसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं इसको लॉन्च किया है? तो स्पेशल पर्पस व्हीकल लॉन्च किया है तमिलनाडु ने, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। भास्कर अब्द को असम के आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा। भास्कर अब्द कब से शुरू होता है, कब से माना जाता है? इसकी शुरुआत स्थानीय कैलेंडर की गणना की जाती है 7वीं शताब्दी में कामरूप के शासक और हर्षवर्धन के समकालीन जब भास्कर वर्मन ने सिंहासन पर बैठे थे तब से इस तिथि की गणना की जाती है। ठीक है, यह है भास्कर अब्द। ये किस कैलेंडर का पार्ट बनेगा? असम के ऑफिशियल कैलेंडर का। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की समाधि और उनकी मूर्ति का अनावरण किया था। ये भी सही है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और पहले दो स्टेटमेंट काफी जरूरी है एग्जाम के लिए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की निजी कंपनियां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के सहयोग से एक मून मिशन प्लान कर रही हैं। तो इसके तहत ऑस्ट्रेलिया किस वर्ष तक चंद्रमा पर पानी की खोज करने के लिए अपना रोवर भेजेगा? और ये चाइना मतलब ऑस्ट्रेलिया का पहला मिशन होगा मून के लिए। तो ये प्लान कर रहे हैं कि वर्ष 2024 तक एक रोवर भेजेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। नवंबर 2021 को 8 तारीख को भारतीय चिकित्सा शोधकर्ता कमल रणदिवे को गूगल ने उनके किस जयंती पर डूडल बनाकर सम्मानित किया था? तो इनको सम्मानित किया गया था 104वीं बर्थ एनिवर्सरी पर, ऑप्शन नंबर बी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश का 4था अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और उत्तर प्रदेश का कुल मिलाकर 9वां ऑपरेशनल एयरपोर्ट था, ये कितने रुपए में बना था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 260 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी 260 करोड़ रुपए। अक्टूबर 2021 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ई ट्रैक्टर पर विचार किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर पर, जो काफ़ी वजन भी उठा सके, पावर में भी कमी ना आए और वो आपका फ्यूल से ना चले। ठीक, और ये ई ट्रैक्टर विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज द्वारा तैयार किया गया। इसकी टॉप स्पीड 23 किलोमीटर बताई जा रही है, 23 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। अक्टूबर 2021 में भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने ग्वार गम और चाइटोसन का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल अविषाक्त नॉन टॉक्सिक यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विकसित किया है। चाइटोसन का सोर्स क्या होता है, ये हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, आपने सही बताया था बिल्कुल, लॉबस्टर्स क्रस्टेशियंस वगैरह के शेल्स से हम इसको डिराइव कर सकते हैं और ये आपका कह सकते हैं एंटी बैक्टीरियल पॉलीमर होता है, नैनो पार्टिकल भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, चाइटोसन को तो इससे इसका प्रयोग करके एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाया गया है भारतीय साइंटिस्ट के द्वारा। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला पॉड रिटायरिंग रूम या फिर पॉड होटल टाइप का विकसित किया है। पॉड होटल बेसिकली चलता फिरता ऐसा कोई होटल नहीं है, पॉड रिटायरिंग रूम्स आप कह सकते हैं, कुछ छोटे छोटे कमरे जिनको एक जगह से दूसरी जगह मतलब ले जाया जा सकता है, वैसे रिटायरिंग रूम्स बेसिकली मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में लगाए गए हैं। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। उसके बाद हमको बताना है अक्टूबर 2021 में किस देश ने घोषणा की है कि वर्ष 2028 तक मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक क्षुद्र ग्रह पर एक खोज मिशन भेजा जाएगा? तो घोषणा की है यूएई ने, ऑप्शन नंबर सी यूएई। 40वीं शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर के बारे में बताइए कौन सा आपका सही है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, शारजा में हुआ था, 10 दिनों का ये पुस्तक मेला हुआ था, इसकी थीम थी देयर इज ऑलवेज अ राइट बुक्स। ठीक है, और थर्ड भी यहाँ पर सही, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 2 अक्टूबर को काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा जारी की गई एक स्वतंत्र रिपोर्ट में क्या आंकड़ा जारी किया गया है कि भारत को कितनी सौर ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी अगर उन्हें यानी भारत को 2070 तक जैसा कि प्रॉमिस किया गया है COP 26 में जीरो ग्रीन हाउस गैस अमीशन वाला अगर कंट्री बनना है तो नेट जीरो गैस अमीशन अचीव करने के लिए हमको अपनी सोलर एनर्जी की क्षमता को 2070 तक 5630 गीगावाट तक बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को 21 अक्टूबर को कितने दिन तक बढ़ाने की घोषणा की गई थी, इसको मार्च तक बढ़ा दिया गया, तो आप जोड़ लीजिए करीब 180 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद है कि केंद्रीय जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में पत्तन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया था। 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जांच मतलब हिंसा की जांच के लिए न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, संजय मिश्रा नहीं अध्यक्षता कर रहे हैं लखीमपुर खीरी वायलेंस कमेटी की, ये अध्यक्षता करेंगे जस्टिस प्रदीप कुमार मिश्रा, ये रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, जो आयोग बनाया गया है उसकी अध्यक्षता करेंगे, लखीमपुर खीरी हिंसा कांड की जांच करेंगे। उसके बाद ये है कि सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना यानी कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब्सिडरी लोन्स को भी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सारे स्टेटमेंट सही है। अभी हाल में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वर्ष 2019-2030 तक के दौरान जलवायु वित्त पोषण प्रदान करने के लक्ष्य को $80 बिलियन से बढ़ा करके कितना कर दिया है? पहले ADB ने अनाउंस किया था 2018 में कि 80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, अब कह रहे हैं कि 100 बिलियन का करेंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 100 बिलियन।
नासा स्पेसएक्स के क्रू थ्री मिशन के बारे में कौन सा सही है? नासा स्पेसएक्स का क्रू थ्री मिशन की कमान भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजाचारी को सौंपी गई है, सही है। फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इस मिशन को लॉन्च किया गया है, सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ वन एंड टू करेक्ट। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की खेती की शुरुआत CSIR हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में दालचीनी का पहला पौधा लगाया अपने हाथों से। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती को प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, सही। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 8 नवंबर 2021 को डिमोनेटाइजेशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 5वीं। आंसर हो जाएगा डी, डिमोनेटाइजेशन की डेट कई बार पूछ ली जाती है आजकल भी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के संबंध में कौन सा सही है? मध्य डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन भारत की यात्रा पर थी, वह अपने पति के साथ आई थी। यात्रा के दौरान उन्होंने आगरा स्थित ताजमहल का भी दौरा किया था, सही है। सितंबर 2020 को आयोजित वर्चुअल समिट के दौरान भारत और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की भी स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन यहाँ पे सही है डी। ISA में शामिल होने वाला 101वां राष्ट्र कौन सा बना है? तो ये बना है अमेरिका, ठीक। आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। नई दिल्ली पुस्तक मेला के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है? प्रगति मैदान पर हुआ, ये हमेशा होता है। और गेस्ट कंट्री इसमें फ्रांस था, ये काफ़ी ज़रूरी है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा और इस बार इसकी थीम थी ऑब्वियसली आज़ादी का अमृत महोत्सव। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द वो करेक्ट। अगला सवाल है कि चेन्नई में वी ओ चिदम्बरम बंदरगाह पर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल स्थापित किए जाने की घोषणा किसने की है? तो ये की है सर्बानंद सोनोवाल ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि वेलस्पन कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की पहली पाइपलाइन निर्माता कंपनी है जिसे हाइड्रोजन पाइपलाइन पर H2 पाइप जॉइंट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, सही है। उसके बाद वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ वन एंड टू करेक्ट। 8 नवंबर 2021 को यूनेस्को ने किस शहर को शिल्प और लोक कलाओं के रचनात्मक शहर के रूप में अपनी सूची में शामिल किया है? तो ये शामिल किया गया श्रीनगर को। और पहले भारत के कौन से नगर किस थीम में शामिल है? चेन्नई और वाराणसी संगीत के यूनेस्को शहरों के रूप में, जयपुर शिल्प और लोक कलाओं के शहरों के रूप में, मुंबई फिल्म में यूनेस्को के शहरों के क्षेत्र में, और गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में यूनेस्को की सिटीज़ की लिस्ट में हैदराबाद शामिल है। तो अभी लेटेस्ट में जो है सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में श्रीनगर को शामिल किया गया इस मंथ। गंगा मशाल यात्रा के बारे में पहला कथन है कि ये ऋषिकेश और हरिद्वार से शुरू होगी और मशाल यात्रा कुल 23 स्टेशन है जो गंगा किनारे वहाँ यात्रा करेगी और जहाँ मतलब गंगा पश्चिम मतलब बंगाल की खाड़ी से मिलती है वहाँ पर यात्रा समाप्त होगी। आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 10 नवंबर 2021 को भारत द्वारा एक क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी, इसमें कौन सा देश नहीं बुलाया गया था? तो ऑब्वियसली चाइना ने यहाँ पर नहीं बुलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 9 नवंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति पर पेंडोरा पेपर्स के आरोपों के कारण देश के कांग्रेस के निचले सदन द्वारा उन पर महाभियोग लगाया गया है? तो चिली के प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा पर ये जो है अभियोग लगाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है? IRCTC ने इसको शुरू किया है और धार्मिक पर्यटन को प्रमोट करेगी, देखो अपना देश थीम पर आधारित है। 17 दिवसीय दौरे की शुरुआत नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। राज्य में प्रशासनिक कार्यों को कागज रहित त्वरित और सुगम बनाने के लिए किस राज्य में ई सरकार ऐप को प्रायोगिक आधार पर लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। ये क्रिकेट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। MS धोनी जो है T20 क्रिकेट में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, सही। अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे, सही। आंसर हो जाएगा सी, बोथ वन एंड टू करेक्ट। 29 अक्टूबर 2021 को किसने चेन्नई में देश के पहले मानवयुक्त समुद्र मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया? तो मैंने आपको बताया कि लोकेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी किसने लॉन्च किया उतना ज़रूरी नहीं है। अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का सृजन किया था, सही है। तुवालु के विदेश मंत्री साइमन कॉफे ने 5 नवंबर 2021 को समुद्र में घुटनों तक पानी में खड़े होकर जलवायु परिवर्तन पर जो COP26 हुई थी उसको संबोधित किया। तो कुल मिलाकर वो मैग्नीट्यूड बता रहे थे क्लाइमेट चेंज का, क्या है कि एक दिन ऐसा होगा कि जैसे वो खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं ऐसा ना हो कि उनका आइलैंड डूब जाए तुवालु, तो उस बारे में ये चर्चा में आया था। ये जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, कभी कभी ये सब भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ वन एंड टू। 8 नवंबर 2021 को भारत में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में युवाओं में नवाचारों के विकास के लिए पहली बार मेंटरशिप कार्यक्रम DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया है? तो किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी। गंगा उत्सव 2021 के बारे में आपको बताना है, 1 से 3 नवंबर 2021 तक स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा 5वां गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये 4 नवंबर को हर साल इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब गंगा को नेशनल रिवर घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ वन एंड टू करेक्ट, ठीक है। एक्चुअली डी हो जाएगा, बोथ वन एंड टू करेक्ट, कोई भी गलत नहीं है।
1 नवंबर 2021 को कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के नए रडार और पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? सर्बानंद सोनोवाल ने, ऑप्शन नंबर बी। 10 नवंबर 2021 को किस देश ने ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 में इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल ई अमृत जारी किया है? तो अमृत तो ऑब्वियसली इंडिया जारी करेगा, इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा। ई अमृत वन स्टॉप डेस्टिनेशन का काम करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में यहीं पर मिल जाएगी, और जितने भी मिथ्स हैं इसके बिजनेस के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एफिशिएंसी के बारे में जो मिथ हैं कि नहीं एफिशिएंट है जितना जो आपके पेट्रोल वाले इंजन डीजल इंजन होते हैं उतना, तो उन सब के बारे में पूरी बेसिक डिटेल दी हुई है और सब कुछ उसमें क्लियरली बताया गया है। ठीक है, सब्सिडीज क्या मिलती हैं, कैसे खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, ये सब चीजें नीति आयोग जो है इसको कंट्रोल करेगा और इसमें कोलैबोरेटिव नॉलेज सपोर्ट रहेगा इंडिया यूके जॉइंट रोडमैप 2030 का। भारत ने 15 नवंबर 2021 को अंटार्कटिका के 41वें वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है, और 16 नवंबर 2021 को यूनेस्को की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, 75 वर्ष पूरे हुए 16 नवंबर 2021 को यूनेस्को की स्थापना के। भारतीय अंटार्कटिक मिशन 1981 में शुरू हुआ था और इसके 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे हो चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल है, 26 अक्टूबर 2021 को किस बैंक को एशिया प्रशांत HRM कांग्रेस के 19वें संस्करण में नवोन्मेषी मानव संसाधन प्रथाओं वाले शीर्ष संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एशिया पैसिफिक HRM कांग्रेस में टॉप ऑर्गेनाइजेशन विद इनोवेटिव ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस, तो ये बैंक है कर्नाटक बैंक, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक बैंक। 51वीं कॉन्फ्रेंस गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछ रहे हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो ऑब्वियसली कोई भी प्रेसिडेंट होंगे वो करते हैं, आंसर हो जाएगा ए। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में आपको बताना है, 12 नवंबर 2021 को कर्नाटक में न्यूमोकोकल वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शुरू हुआ है और कार्यक्रम जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों में निमोनिया प्रेरित मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन प्रोग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ओनाक के ओबावा जयंती 11 नवंबर 2021 को कौन सा राज्य मनाएगा? ये मनाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। पॉड रिटायरिंग रूम का कॉन्सेप्ट जो कि जापान ने शुरू किया था सबसे पहले, ये कॉन्सेप्ट हमारे किस भारतीय रेलवे स्टेशन में शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, ऊपर भी हमने देखा इसके बारे में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 10 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शिरडी हवाई अड्डे को हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत एक प्रमुख हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। आपको बताना है इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2017 में और किया किसने था? प्रेसिडेंट जी ने, ऑप्शन नंबर ए। तो शिरडी हवाई अड्डा भी लेटेस्ट में जो है शुरू किया गया है और आपको पता ही है कि ये कहाँ पर होगा, जहाँ पर शिरडी है महाराष्ट्र में एयरपोर्ट। ये COP26 हो चुकी है, अब आगामी COP कहाँ कहाँ पर होंगी? एज पर न्यूज़ 2022 की COP होगी, COP27 ये होगी आपकी इजिप्ट में, ठीक है, और COP28 वर्ष 2023 में होगी UAE में, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए आप, ठीक है, जब तक हो नहीं जाते ये इवेंट्स। 13 नवंबर 2021 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू और कानून एवं न्याय राज्य मंत्री SP बघेल ने सिटीजन्स टेली लॉ एप्लीकेशन लॉन्च किया है, सही है। और राजस्थान में जोधपुर में भादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, अभी तक 14,000 एकड़ में फैला हुआ है, अभी तक का सबसे बड़ा पूरे विश्व का यही है। अभी कहा जा रहा है कि NTPC गुजरात के कक्ष में इससे भी बड़ा बनाएंगे, लेकिन जब तक बनाने लेते हैं तब तक भादला सोलर पार्क जो है जोधपुर राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क माना जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। 12 नवंबर 2021 को निवेशकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की दो ग्राहक केंद्रित इनिशिएटिव RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना यानी कि RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम और RBI इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर इन्वेस्टर्स, किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर ए। नोरो वायरस का पहला केस अभी कहां पर देखा गया है? नोरो वायरस का पहला केस वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरल में देखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने तितली कैसर ए हिंद को राजकीय तितली घोषित किया है? तो ये घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया था 17 से 19 नवंबर के बीच, कहां पर? झांसी में, ठीक, और इसका उद्घाटन किया गया था राजनाथ सिंह जी के द्वारा, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कहां पर आयोजित हुआ? झांसी में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने एक नया बाजार खंड ग्रीन डे एहड मार्केट लॉन्च किया है? ग्रीन डे एहड मार्केट को लॉन्च किया है R.K. सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी लबासना में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय के बारे में कौन सा कथन सही है? 15 नवंबर 2021 को केंद्रीय उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारतीय खाद्य निगम द्वारा यानी FCI द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर में खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना की गई है, सही है। और FCI और विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु द्वारा इसको सहविकसित किया गया है, आंसर हो जाएगा डी। इतनी डिटेल आपको याद रखनी चाहिए थी इंडिया फर्स्ट फूड सेफ्टी म्यूजियम के बारे में, इतने में से ही पूछा जा सकता है।
फिर उसके बाद जीएसटी से रिलेटेड कुछ आंकड़े। अक्टूबर 2021 में जीएसटी की शुरुआत से अब तक का दूसरा सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रहण किया गया है। अब तक का सर्वाधिक राजस्व संग्रहण अप्रैल 2021 में किया गया था। जौल जीबी व्यापार मेले का उद्घाटन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट। हाल ही में किस देश ने दिवाली को देश का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का एक विधेयक पारित किया है? अमेरिका ने यह दिवाली डिक्लेरेशन भी की थी और काफी चर्चा में आया था, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पहली बार सेब महोत्सव का उद्घाटन किया और हरदीप एस पुरी ने हिसार हरियाणा में महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज भिवानी, रोहिल्ला में रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा का अनावरण किया। आंसर हो जाएगा इसमें सी, दोनों इवेंट सही है। अभी हाल ही में किस राज्य में पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित किया गया है? तो ये त्रिपुरा ने जो है बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने क्रिकेट बैट और स्टंप बैम्बू से बना हुआ अभी विकसित किया। आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। अंतरिक्ष यात्री वांग यीपिंग अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चाइनीज वुमेन बनी है। चीन के उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइयुइन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा इसका सी, बोथ वन एंड टू करेक्ट। अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली किस कंपनी को पीछे छोड़ दिया था? तो एप्पल को पीछे छोड़ करके माइक्रोसॉफ्ट जो है कुल मिलाकर मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन गई थी। तो एप्पल इसमें था और इसको पीछे करके माइक्रोसॉफ्ट आ गई है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए 5 यूरो का एक सिक्का अभी जारी किया है। साउथ कोरिया में अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ वन एंड टू करेक्ट। टीवीएस मोटर कंपनी और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली भारत की पहली दुपहिया और तिपहिया निर्माता कंपनी बन गई है। टीवीएस मोटर कंपनी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर टू बी इंक्लूडेड इन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट। हाल ही में भोपाल मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके 18वीं शताब्दी में भोपाल की गोंड रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ वन एंड टू करेक्ट। हाल ही में किस राज्य में 2 एकड़ क्षेत्र में फैला भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र या फिर जर्म प्लास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रानी खेत में। यह आपका इंडिया का पहला जर्म प्लास कंजर्वेशन सेंटर अभी ओपन किया गया है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में किया गया। ब्यूटी और फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नाइका की सीईओ और संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेन बन गई है। नाइका काफी चर्चा में भी रहा है आजकल। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2021 के लिए वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है और वैक्स वर्ड जो है ये वैक्सीन से आया है, ठीक है। वैक्सीन जो लगाई जाती है, जो लिक्विड होता है, उसको वैक्स कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली IMS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है। राज्य के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की है। हालांकि अभी घोषणा हुई है गेल के द्वारा, अभी कोई जगह नहीं फाइनलाइज की गई है। प्रोजेक्ट अस्तित्व में आएगा करीब 12-13 महीने बाद, पता चलेगा कि कहां पे बनेगा। मध्य प्रदेश में एक लोकेशन फाइनलाइज हुई है लेकिन अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं है, जबकि मथुरा में जो है NTPC एक हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट लगाने वाला है। तो ये बात आप याद रखिएगा, मतलब आ जाए कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन जनरेटिंग प्लांट कहाँ पे बनेगा, तो अगर लोकेशन पूछ ले तो उसका आंसर मथुरा होगा। एक्चुअली NTPC लिमिटेड ने नहीं, हमने थोड़ा गलत बोल दिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, इन्होंने कहा है कि कंट्री का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करेंगे मथुरा में जल्द ही, ठीक है। फिर उसके बाद CBSE ने शुरू किया है स्कूलों में वीर गाथा परियोजना, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में जो है वीर गाथा प्रोजेक्ट शुरू किया। आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। पोचमपल्ली विलेज के बारे में हम देख चुके हैं, UNWTO द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की श्रेणी में भारत से इसको शामिल कर लिया गया है। 3 गांवों का नाम भेजा गया था, कोंगथोंग मेघालय से, लड़पुरा खास मध्य प्रदेश से, पोचमपल्ली तेलंगाना से। तो पोचमपल्ली को इन 3 में से एक चुन लिया गया है UNWTO के द्वारा और 3 दिसंबर को मैड्रिड में जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें यह अनाउंस करा जाएगा ऑफिशियली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कोलकाता में है, ये फर्स्ट मेजर इंडियन पोर्ट है जिसने रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम रिसीव किया है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही है। लगभग 100 साल पहले वाराणसी से चोरी हुई मूर्तियों को किस देश से वापस लाया गया है जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की शोभा बढ़ाएगी? तो कनाडा से इसको वापस लाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर उत्तर प्रदेश का नोएडा में लगाया गया है, नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ वन एंड टू करेक्ट। इसके बाद दिल्ली हाट में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया था अर्जुन मुंडा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पार्ट के रूप में टेक नीव @75 इसको किसने लॉन्च किया है?
इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में कौन सा कथन सही है? 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। यहां पर लखनऊ जिले के चांद सराय गांव को NH-31 पर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव तक, ये है इसकी जो कह सकते हैं एक्सटेंट। और उसके बाद इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि UPEIDA द्वारा बनाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य भी बन गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है। किस देश में सफ़ेद पूंछ वाले हिरण SARS-CoV-2 वायरस से संक्रमित पाए गए थे? ये संक्रमण पाया गया था व्हाइट टेल्ड डियर्स में, अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता कब शुरू की गई थी? 1 दिसंबर 2021 को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य में पहली बार किसी पौधे की प्रजाति का नाम वहां पर जनजातीय स्थानीय समुदाय के नाम पर रखा गया है? तो केरल में इडुक्की जिले में जो आपका एक जीनस क्रिप्टोकैरिया की एक स्पेशी का नाम क्रिप्टोकैरिया मुथुर वरियाना रखा गया है, वहां की जो मुथुवर ट्राइब है उसके नाम पर। तो मुथुवर ट्राइब के नाम पर क्रिप्टोकैरिया मुरतवाना ये एक पौधे का नाम रखा गया है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में यमुना नदी को पूरी तरीके से साफ करने का संकल्प लिया है, किस वर्ष तक? 2025 तक, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासी निकायों में अकार्बनिक कचरे के संग्रह में सुधार और ट्रैकिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है केरल में, ऑप्शन नंबर बी, केरल। हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया है? तो चुना गया है 2021 से 2025 की अवधि के लिए भारत को, ऑप्शन नंबर ए। विंग्स इंडिया कार्यक्रम के बारे में बताना है, सही कथन कौन सा है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, सही है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, ये भी सही है। उसके बाद द्विवार्षिक कार्यक्रम 24 से 27 मार्च 2022 तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा, अभी तो सिर्फ कर्टेन रेजर था इसका, ठीक है। न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री थीम के साथ ये आयोजित हो रहा है, वेन्यू खास तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है मणिपुर में रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला किसने रखी है? तो ये आधारशिला रखी गई है अमित शाह के द्वारा, ठीक है। तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में इनका जन्म हुआ था, रानी गाइदिनल्यू का, ऑप्शन नंबर यहां पर सही हो जाएगा बी। कनकदास जयंती 22 नवंबर 2021 को मनाई गई थी, कहां पर? कर्नाटका में। कनकदास जयंती मनाई गई थी 15वीं शताब्दी के कवि संत और समाज सुधारक श्री कनकदास को श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ए। कोई बता सकता है कि कनकदास जो है किस मत या संप्रदाय से जुड़े हुए थे, किस सेक्टर से बेसिकली आते हैं, ये कोई बता सकता है कमेंट करके? हिस्ट्री का पार्ट है ये, जरूर आपको पता होना चाहिए। गाओफेन 1103 ताइवान सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से अभी एक सेटेलाइट लॉन्च किया गया है, तो ये किसने लॉन्च किया है? ऑब्वियसली चाइना ने, ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिबद्धता के अनुरूप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल का सृजन किया है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल अभी गठित किया है कोयला मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। 19 नवंबर 2021 को सुबह कई देशों में वर्ष का दूसरा चंद्रग्रहण देखा गया था, जो 580 साल में सबसे लंबी अवधि का चंद्रग्रहण था, सही है, भारत में नहीं देखा गया। लेकिन नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में 56 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 7 शहरों को शामिल किया गया है और उनके नाम ये लिखे हुए हैं। इनकी रैंक क्या है इंडिविजुअली, ये हम आपको सेक्शनल करंट अफेयर में बता चुके हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाला है जल्द? ऑब्वियसली ये मीम वगैरह आपने देखे होंगे, इंडिया इसको बैन करने वाला है या रेगुलेट करने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च का विस्तार करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है सर्वानंद सोनोवाल ने, ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2021 में किस राज्य में इस्पात उपयोग विषय पर इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया था? ये किया गया था गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नर्मदा जिले के केवड़िया में इस्पात उपयोग विषय पर इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन हुआ था। स्मृति ईरानी की पहली पुस्तक का नाम लाल सलाम है। मेघालय पूर्वोत्तर का पहला राज्य है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है, सही है। पूजा बदलानी जो अहमदाबाद से, इन्होंने मिसिस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन का टाइटल अभी हाल में जीता है, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सारे स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सीबक थॉर्न की व्यावसायिक खेती शुरू करने की घोषणा की गई है? लद्दाख में सीबक थॉर्न की खेती की जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 17 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति ने निम्नलिखित में से किन 5 राज्यों के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के मोबाइल सेवा के दायरे से बाहर वाले गाँवों में मोबाइल सेवा के लिए प्रावधानों को मंजूरी दी है? तो ये जो राज्य हैं जिनमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा।
हाल ही में भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न के नमूनों के घरेलू परीक्षण के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला विकसित की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रयोगशाला का उद्घाटन 21 नवंबर को हुआ था, ठीक है, अश्विनी कुमार चौबे ने उद्घाटन किया था। इसका उद्घाटन जो है खाद्य सुरक्षा संस्थान FCI गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं एग्जाम में इतना बड़ा या इतने हिंट ना दे करके कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी फॉर इन हाउस टेस्टिंग ऑफ फूड ग्रेन सैंपल्स ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। गुरुग्राम में एक और हेडक्वार्टर है, ISA का हेडक्वार्टर है, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अक्टूबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। अगर पूछ ले महाराष्ट्र में कहाँ पर किया है, तो नागपुर में। वर्चुअल साइंस लैब के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में बच्चों के लिए पहली भारत की वर्चुअल साइंस लैब शुरू की है, और वर्चुअल साइंस लैब को CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। और ये कितने उम्र के बच्चों के लिए या फिर कितनी क्लास के बच्चों के लिए है? 6 से 12th के लिए, यही पूछा जा सकता है एग्जाम में। BPSC जैसे एग्जाम इन्हीं छोटे छोटे फैक्ट्स पर काफ़ी फोकस करते हैं। पूछ लेंगे कि बताइए CSIR जिज्ञासा के तहत ये भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब ओपन की गई है, कितने जो है क्लास के बच्चों तक के लिए है? तो उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, आपको चूज करना है 6 से 12 के लिए। अक्टूबर 2021 में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली तकनीक का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए अपना एक सैटेलाइट शिजियान 11 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है चाइना ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा जलवायु अनुकूल विकास के लिए जलवायु परिवर्तन घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई है? तो इसमें क्लाइमेट चेंज डिक्लेरेशन को मंजूरी दी है अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर डी। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि भारत की प्रथम 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा चेन्नई में शुरू की गई है, यानी कि इंडियाज फर्स्ट 3D आई सर्जरी फैसिलिटी हैज बिन स्टार्टेड इन चेन्नई। 19 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर हरियाणा ने अपनी तरह की पहली नवीनतम विश्व की सबसे परिष्कृत यानी कि वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड MRI फैसिलिटी अभी लॉन्च की है। इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था वहां जाकर के। जलवायु परिवर्तन के कारण मध्य टर्की में जो टज झील है इस साल पूरी तरीके से सूख गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सारे स्टेटमेंट सही हैं, तीनों ही काफ़ी जरूरी स्टेटमेंट्स हैं। आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है कि 18 नवंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के गांवों तक पहुंच के लिए अहमदाबाद के पास आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा शुरू की। इसमें 10,605 गांवों को कवर करेंगे और बाकी कई सारे इसमें जो है प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे रूरल एरियाज़ के लिए। यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी। नवंबर 2021 16 तारीख को हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, इसे लाइनैक NCDC मत्स्य व्यवसाय उष्मायन केंद्र के रूप में जाना जाएगा। पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका उद्घाटन किया था और इंडिया का पहला फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर ये खोला गया है गुरुग्राम हरियाणा में ही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्णतः क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है, जिसका नाम इन्होंने धवन वन रखा है। ठीक है, उसके बाद एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जम्मू कश्मीर को गवर्नेंस नाउ द्वारा आयोजित 4th डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य श्रेणी में स्वास्थ्य निधि सर्वेक्षण ऐप के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। इसके बाद सड़क दुर्घटनाओं में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए रक्षक नामक एक सड़क सुरक्षा पहल किसने शुरू की है? ओडिशा ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 86 वर्षीय महिला सलीना स्टीनफेल्ड को 16 नवंबर 2021 को इसराइल की मिस होलोकॉस्ट सर्वाइवर का ताज पहनाया गया था। ठीक है, और जल शक्ति मंत्रालय ने नदियों के किनारे बसे शहरों के सतत प्रबंधन को लेकर एक समर्पित विचार मंच रिवर सिटीज अलायंस शुरू किया है और इसमें 30 शहर शामिल होंगे जो रिवर साइड पड़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। 27 अक्टूबर 2021 को RBI द्वारा जारी विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में सोना कितने प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 744 टन हो गया है? तो RBI की नवीनतम रिपोर्ट में हमारे पास 744 टन गोल्ड है और इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है? 11% की। ठीक है, और सितंबर 2021 के अंत तक रिजर्व बैंक के पास 743.84 मीट्रिक टन सोना था। ठीक है, 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी और कितनी इसमें लागत लगेगी? तो अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी थी और 108 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा आजमगढ़ में, आपका आजमगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, जिसमें 8573 संगीतकारों ने 5 मिनट तक एक ही समय में एक साथ एक सुर में वाद्य यंत्र बजाए थे? ठीक है, तो ये किया था अनोखा कार्य वेनेजुएला में सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी? तो 50 इसमें खोले गए थे। ठीक है, वर्चुअल माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी।
फिर उसके बाद श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा घरेलू कामगारों पर देश का प्रथम अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया जाएगा, इसमें सारे स्टेट्स और यूटी को कवर किया जाएगा। उसके बाद गृहमंत्री ने 22 नवंबर 2021 को मणिपुर के तोमंगलोंग जिले में यहाँ के लुआंगकाओ गांव में रानी गादिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी वर्चुअल माध्यम से। सही है, पंजाब टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूर करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। सही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। फिर उसके बाद पहली क्रू पब्लिक एयर टैक्सी टेस्ट फ्लाइट के बारे में कौन सा सही है। 11 नवंबर 2021 को दक्षिण कोरिया की पहली पब्लिक एयर टैक्सी का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। परीक्षण जर्मन अर्बन एयर मोबिलिटी की अग्रणी कंपनी जो है वोलोकॉप्टर ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अपने 2X विमान से किया था। आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन किया गया है रांची में, ऑप्शन नंबर ए। पूर्व स्टार क्रिकेटरों की एक पेशेवर क्रिकेट लीग यानी प्रोफेशनल क्रिकेट लीग खेली जाएगी 2022 जनवरी में ओमान में। रिटायर्ड क्रिकेटर्स इसमें भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल पारित हुए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा कब की है। ये घोषणा की गई थी आपकी 19 नवंबर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 19 नवंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की स्टेट रैंकिंग में 100 से अधिक यूएलबी वाले राज्यों में बिहार 13वें पायदान पर रखा गया है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। दूसरा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कटिहार डिस्ट्रिक्ट ही है बिहार से जिससे बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड फॉर ईस्टर्न रीजन का ये अवार्ड मिला है। मतलब बिहार का कटिहार जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है, पूर्वी क्षेत्र से एकमात्र जिला है। ये यहां पर रॉन्ग हो जा रहा है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये बिहार का ही है लेकिन कटिहार नहीं है, यह है सुपौल, ठीक है, सुपौल। तो ये वाला रॉन्ग हो गया, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाला यानी रॉन्ग है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किस राज्य ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण पैट्रियोटिक साइट्स में से एक जो कि चीन सीमा पर ओंजो जिले के एक गांव काहो पर एक वृत्त चित्र बनाने की योजना बना रहा है। कहने का मतलब है कि चीन सीमा के पास जो सबसे नियरेस्ट गाँव पड़ता है काहो, यहाँ पर एक वृत्त चित्र बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। और वहाँ पर काहो विलेज जो है अंजाव डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल चाइनीज बॉर्डर के बिल्कुल करीब है या फिर चाइना बॉर्डर से सबसे पहला गांव वही पड़ता है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नवंबर 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया है। ये किया है नॉर्थ ईस्ट के IIT गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद पहला स्टेटमेंट है कि 19 नवंबर 2021 को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 1 घंटे 25 मिनट के लिए राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। वो कॉलोनोस्कोपी अपनी रेगुलर कराने गए थे तो उस बीच राष्ट्रपति का पदभार संभाला था कमला हैरिस ने। सांकेतिक तौर पर ये बनी थी, ऑफिशियली नहीं बनी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने आप में न्यूज़ आई है। सीमा सड़क संगठन ने जो उमलिंगला दर्रे पर जो है सबसे ऊंची सड़क बना ली है, ये हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं कि उमलिंगला दर्रा अब हाईएस्ट मोटरेबल पास हो गया है पूरे वर्ल्ड का। उसके बाद खारदुंगला अब सेकेंड पर आ गया है पूरे वर्ल्ड में। तो ये वाली बात है कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टाइपिंग यानी वहां पर तारकोल बिछाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है उमलिंगला दर्रे ने। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। वैसे हम ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इसी में बस आपको याद रखना है कि जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है वर्ल्ड का उमलिंगला, उस पर जो है मतलब उसको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अब शामिल कर लिया गया है। ई एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति ने कहा है कि दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी वो बनाएंगे और ई एल सल्वाडोर ही वो कंट्री है जिसने बिटकॉइन को या फिर क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर मान लिया है, ठीक है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करने वाला पहला कंट्री ई एल सल्वाडोर ही था। उसके बाद 10 नवंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी नासा और एलन मस्क के स्वामित्व वाली निजी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स ने क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट।